अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द पाकिस्तान एक्सपीरियंस। और आज हमारे गेस्ट हैं मेरे दोस्त जिन्होंने मुझे सुबह सुबह उठा दिया क्योंकि ये मॉर्निंग शो करते हैं, मिस्टर अकबर चौधरी। व्हाट्स अप? फाइनली आई एम हियर। मैं तो ठीक हूँ यार, मैं 7 बजे से उठा हूँ। आई एम सॉरी। हाउ हैव यू बिकम यूज्ड टू दैट लाइफस्टाइल? आई हैव नॉट यार, बट हम तुम्हें पता है हमारा चूल्हा बड़ी मुश्किल से चलता है पैसों के लिए। आज कह रहा है आईफोन 11 लेके बैठा हुआ है, क्या करें अभी यार? मैं रो रहा था कि मेरा सेल फोन चलते जल्दी बंद हो जाता है। बट ऑनेस्टली थोड़ा बेहतर है ये लाइफस्टाइल से ज्यादा। हमारी जो ये रूटीन रहती थी पहले 12-1-2 बजे उठने वाली, इज हेल्दियर। वी आर गेटिंग ओल्डर तो सीन तो है कुछ इसका। तुम सुबह कब उठते हो? सो टू बी व्हाट टाइम डू हैव टू बी एट वर्क? I have to be there by 8:15, 8:20. That's not that bad. Ah. I thought कुछ 7 बजे जाना। कुछ तुम्हें तो makeup shakeup नहीं करवाना होता? बहुत मतलब bare minimum. Does the female host get there much earlier than you? No, we get there at the same time. But like literally we go on air at 9:05. अगर मैं 8:55 भी पहुंच जाऊं, I can be there on time. लेकिन ईमान जो है, her makeup takes a while. So गाड़ी में हमें pick privilege जो है ना ये आपकी 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 प्रिविलेज डेफिनेटली प्रिविलेज भी है। और मतलब नोबडी रियली गिव्स अ शिट राइट कि मेल होस्ट कैसा दिख रहा है। आपको क्या पता, मे भी एक आवाम है जो रोज देखती है कि ये लड़का कितना खूबसूरत है, इसकी शादी हुई है या नहीं। आए कोई इस तरह के? नहीं, आप सिंगल हैं? नहीं, न्यूज पे देखा मैंने आपको, आपको मुझे बहुत अच्छी लगते हैं। हमारी यार वो जो व्यूअरशिप है ना, इज नॉट पीपल who are immediately in our vicinity. It's mostly interior ke log, thoda is type ka. So tumhara like you haven't had a lot of face to face interaction? Not a lot. I would say ki hamari comedy ki wajah se jo interactions hai wo zyada rahe as opposed to the morning. So no you haven't been like stopped in public and been like I've seen you in once the morning? I was one do teen dafa actually, but not as much as you might think ke oh ye to ab bad scene ho jayega. Is it because ki bas ho gayi hai, like log ab nahi dekhte morning shows or TV in general? I don't think so. Jaise Adi hai for example, wo bhi morning show kar raha tha, and whenever we'd go out in public with Adi to wo to crazy scene tha. But he's been doing it for ages also na. Ha, and he's also doing that Faisal Quraish, is that a morning show? The Faisal Quraish ha, matlab wo to khair band ho gaya, but that was a morning show. He was at that place 4 years. Saath tha uska obviously TV पे वो सीरियल्स सॉरी सिटकॉम्स भी चल रहे थे। हाँ, कोई मूवी शो भी किया ना उसने। हाँ, तो वो फिर इट्स दैट्स लाइक सेइंग कि यार फहद मुस्तफा डजंट जस्ट गेट रिकॉग्नाइज्ड फॉर जीतो, ही गेट्स रिकॉग्नाइज्ड फॉर एवरीथिंग एल्स। बट व्यूअरशिप है डेफिनेटली। एंड डॉन की एक अच्छी बात यह है कि दे डोंट डू दैट यू नो जो शादी करा दी अजीब गेमी की स्टफ फॉर रेटिंग्स, दे डोंट डू दैट। तो एक अलग एक पढ़ी लिखी आवाम है जो फॉलो करती है। उस दिन जिब्बी की शादी पे वाज अ कपल ऑफ अंकल्स लाइक बेटा आपको अच्छा शो करते हैं, हम देखते हैं। वाओ, दैट वाज नाइस। हाँ, थोड़ी एक अलग है, स्मॉलर प्रॉब्ली ऑडियंस बट अ गुड ऑडियंस। बचपन में एक शो करता था, वाज अ चाइल्ड स्टार मैं। अच्छा? नहीं, हाउ डू आई नॉट नो दिस? बिकॉज़ इट इज एंबैरसिंग एंड आई डोंट एक्चुअली रिवील। दिस इज योर बैक एंड फ्रेंड्स। नो, इट वाज एक्चुअली विद सिद्रा इकबाल। इट वाज एक्चुअली प्रीटी गुड, बट आई वाज वेरी यंग मैन, लाइक 15-16 साल का था। तो आई वॉज द यूथ पैनलिस्ट। अच्छा, यूथ की आवाज, शहजाद कयास अवाम की आवाज। क्या शो था ये? मैं नहीं बता रहा, इट वॉज लाइक अ पैनल। नहीं मिलेगा मेरे नाम से, सिद्रा इकबाल के नाम से होपफुली नॉट। तो या सो आई यूज टू लाइक गिव माई ओपिनियन एज अ यंगस्टर कि यार हम क्या सोच रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। एंड मेरे ओपिनियन ड्यूरिंग लाइसियम, दिस इज ड्यूरिंग लाइसियम, मेरे ओपिनियन ऐसे ही थे हमेशा से, वोक से उस टाइम के लिए भी। तो फिर मुझे बहुत अंकल आंटीज आते थे कि यू नो बेटा आप बहुत अच्छी बातें करते हैं। फिर एक दफ़ा मैं लम्स में कोई रात के 4 बजे इसी तरह लाइक ATM के बाहर लेटा हुआ, दिस गर्ल वाज लाइक ओह माय डैड इज अ ह्यूज फैन। थैंक यू अंकल। व्हाई इज योर डैड फॉलोइंग 16 ईयर ओल्ड ऑन टीवी? नाइस। वाज इट अ पेड शो? नहीं यार, उस टाइम तो ये सोचा भी नहीं था। उस टाइम तो लाइक टीवी पे आएंगे। फिर एक दफ़ा उन लोगों ने मुझे चुतिया भी बनाया। अच्छा, लाइक ये ना हम ऐसा करेंगे, आपको ना आप बहुत अच्छी बातें करते हैं, आपको हम होस्ट बनाएंगे। तो अभी हमारा एक लाइव शो हो रहा है, उसके लिए हम टेस्ट करते हैं। मतलब हाँ हाँ करेंगे। टेस्ट करना था और वो था कहीं फार्म हाउस पे। ओह गॉड। दे सेड हम जाएंगे, रात के 12 बजे निकलेंगे।
मैंने घर पे बहुत टोपियाँ मांगा यार, ये अपॉर्चुनिटी, ये वो किसी तरह लड़ कर मना लिया, चला गया. वहाँ जाकर पहुँचे हम, सेटअप भी नहीं हुआ हुआ था शो का, लाइक लिटरली स्टेज वेज भी नहीं बना हुआ था. वो बनना शुरू हुआ, घंटा गुजरा, दो घंटा गुजरा, तीन घंटा, चार बज गए, शुरू ही नहीं हुई शूटिंग, ही नहीं शुरू हुई. और मैं घर पे, आप एक घंटा लगेगा, दो घंटे लगेंगे, घर से भी फोन आ रहे हैं, मिडल ऑफ नोवेयर. ओह गॉड, ओह अल्लाह. एंड लाइक आई वाज व्हाटएवर 16, आई थिंक वो उनको सिर्फ कंपनी चाहिए थी, कुछ वो फिर बच्चों दिया एंजॉय करना शुरू हो गए थे, देर लाइक साथ आ जाओ हमारे पर बैठे रहना वहाँ पर. मेरे साथ इस तरह की एक सिमिलर चीज़ हुई थी बट इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. सेंट पैट्स में जब मैं था तो वो हो रहा था स्पोर्ट्स डे, तो डिस्कस थ्रो में मैंने ट्राई किया, मैं अच्छा हो गया डिस्कस थ्रो में. तो वहाँ जो एक कोच थे जिनका नाम था दोस्त मोहम्मद, उन्होंने कहा कि भाई तुम बड़ा अच्छा कर रहे हो, जो नहीं एनसीसी में होते इवेंट्स, मैं तुम्हें वहाँ लेके चलूँगा, तुम उस लेवल पे कम्पीट करना. तो लेके गए संडे मेरा, मैं सुबह गया बड़ा एक्साइटेड ना, ये वो वहाँ गए, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ इंतज़ार कर रहा हूँ, एंड इवेंचुअली पता लगा कि इस कॉम्पिटिशन में डिस्कस का कोई इवेंट नहीं है. ये that should have been discussed with you ना, उन्होंने तो मैं बताया. दोस्त मोहम्मद ने मेरे साथ गबन कर लिया. दुश्मन मोहम्मद निकले वो. बहुत तंग करते थे सेंट पैट्स के बच्चे दोस्त मोहम्मद को यार. वहाँ पता नहीं क्यों, आई डोंट नो लाइसियम में था ये या नहीं, कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वाज अंडर द कोच. या ऑफ कोर्स, तो वो बड़ा उस पे ना चौड़े होते हैं, ये सामान मेरे पास है, अगर आपको लेना है तो दोस्ती रखनी पड़ेगी, एक ताल्लुकात होने चाहिए, पूरा एक प्रोटोकॉल फॉलो होता है. तो बच्चे जाहिर है वहाँ के हरामी छोटे सेंट पैट्स के बच्चे, तो एक दफ़ा उसके हाथ में बॉल थी, उसने ना यूँ बच्चे ने मारने की कोशिश की, तो उसने यूँ पकड़ लिया, एंड द किड इज लाइक यू 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 कर गया, यू कांट सी मी कर दिया उसने, और वो भाग गया वहाँ से. यार इससे पहले जब मैं सिटी स्कूल हाईली रोड में था ना, वहाँ के बच्चे जितने सुअर. अच्छा, वो तो जो लाइक सो ऑब्वियसली इसी तरह उनका जो कमरा है ना वो इक्विपमेंट का, वो पीछे होता था. तो जब आपने क्रिकेट खेल ली, सर ये बैट अंदर कर लें, सर ये बैट अंदर ले लें, सर ये बॉल अंदर ले लें, सर ये. सो इवेंचुअली उनको इतना तंग किया कि ही तो लाइक वॉज ही बिकेम अ बॉय एज वेल. अच्छा, लाइक आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, सर ये बैट अंदर ले लें, मैं तेरी गांड में दूंगा मैं बैट. ये आपका स्पोर्ट्स टीचर है तो वो आपके पीछे भाग रहा है बैट. इस तरह का तो हाल था उस टाइम पे यार, ये पीक कॉमेडी होती थी ना, लाइक इस तरह की कोई बात कर दे कोई और आपके आसपास के लोग हंस रहे हैं, ओ ले ली ले ली ले ली. ये सेंट पैट्स की, इफ यू रिमेंबर दैट जोक आई डू, तू इधर रुक मैं तेरी माँ से शादी, लाइक दिस इज अ लेजिटिमेट थिंग दैट हैपेंड वर्बेटम. ये लाइन उस बंदे ने, बच्चे ने सॉरी डिलीवर की थी, एंड दिस इज नॉट द एक्सटेंट ऑफ इट. लाइक एक छोटे से, इतने ही बच्चे होते थे 6-7 साल के, हम लोग बास्केटबॉल कोर्ट में होते थे. एक दफा देखा मैं, बच्चे ने अपनी जेब से एक पर्चा निकाला, एंड ही लुकिंग एट इट विद हिज फ्रेंड्स, और मतलब एक पिक्सेलेटेड तस्वीर थी ऑफ अ गर्ल इन अ बिकिनी, लेकिन बट फुल ब्लोन अप ऑन एन A4 पेपर. सब बच्चे ना यूं यूं देख रहे हैं, लाइक अमेज्ड के यार 6-7 इयर्स या 6-7 साल ये सब भी कर रहे हैं बच्चे. एक बच्चे ने मेरे दोस्त को, लाइक ये 6-7 साल के बच्चे ने, A-level सेकेंड ईयर, कितनी उम्र होती होगी 18 साल 19 साल, कौन कर दिया. वो बच्चा रोए जा रहा है रोए जा रहा है. मेरा दोस्त थोड़ा रहम दिल, उसने कहा क्या हुआ, इट्स लाइक कि मेरी बहन निकल गई है, मैं क्या करूं. उसने फ़ोन वोन कराया, कुछ नहीं हुआ, आप मुझे पैसे दे दें थोड़े, 100-150 रुपये ले लिए उससे. बाद में जाके देखा तो वही बच्चा अपने दोस्तों के साथ बाहर ना फ्रेंच फ्राइज और ड्रिंक वगैरह पी रहा था. बहुत हरामी बच्चे थे यार. यार या आई थिंक ग्रोइंग अप इन दैट कल्चर विद यू, वहाँ से आप सोचा आप कमेडियन बनेंगे. वर यू फनी इन स्कूल, वर यू द क्लास क्लाउन? यार आई एम टोल्ड आई वॉज, लेकिन मुझे सीम लाइक द नाइस बॉय, टीचर्स पेट टाइप लगते हो मुझे. नहीं नहीं नहीं, टीचर्स हेटेड मी फॉर सम रीजन, बट आई एम टोल्ड, यही जैसे पुराने जो दोस्त हैं कि क्लास क्लाउन हुआ करते थे, आई वी कुड ऑलवेज सी इन इट इन यू, बट ये तो बकवास करते हैं, ये तो झूठ बोलते हैं, जिस तरह बच्चा नहीं पैदा होता, लेकिन बाप पे गया. आई एम लाइक ये फीटस लग रहा है अभी, ये पिंक ब्लॉब कैसे बाप पे गया. प्रॉब्ली इज लुक लाइक हिज पेनिस राइट नाउ. तुम्हारा क्या था, व्हेन डिड यू? नो आई वाज मुझे लोग मिलते हैं कि ओ हम दूसरी क्लासेस में थे और हमें टीचर बोलते थे कि शहजाद जैसा नहीं बनना तुमने. तो मैं तो बड़ा एक मिसाली क्लाउन होता था. आई थिंक यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट, like आजकल I'm also trying to figure out how to talk to boys, because not a lot of people are actually talking to boys, and even जो हम dirty show करते हैं, I really try के
using the same language that we grew up in, the language that people relate to, we can have a conversation ke yaar theek hai humne bhi kiya hai hame shayad itna pata nahi tha. Like for instance, the intention always was the joke. Even right now the intention always make it funny. Yeah. But obviously that ventured into bullying at times. Yes. ऐसा होता है कि जब छोटे बच्चे होते हैं आप रियलाइज भी नहीं करते, जो आजकल मैं काफ़ी लोगों को बोलता भी हूँ कि when you're 15, when you're 16, when you're 17 and you think your friend is fine with it, they're probably not fine with it. Yeah. They're just pretending to be fine with it because वो अगर आपको आके कुछ बोलेंगे तो या उनको डर लगता है या उनको लगता है वो एक्सेप्ट नहीं होंगे या लेट्स से आप किसी को मजीद बुलिंग होगी, मजाक उड़ेगा और जो भी, बट दे प्रॉब्ली लाइक डोंट हैव द वोकैबुलरी टू सिट एंड बी लाइक लिसन यार मेरा निक नेम मोटा है तो ठीक है मैं ऑन द फेस ऑफ इट एम्ब्रेस करता हूँ बट इट माइट बॉदर मी. लाइक फॉर इन एक हमारे दोस्त हैं, इफ़ यू रिमेंबर अर्ली ऑन अ कमेडियन, ही वॉज वेरी लाइक वोकल अबाउट कि हाँ मैं तो हूँ ऐसा, मैं तो ये हूँ, एंड इन फैक्ट ही वुड गो वन स्टेप फर्दर देन यू, विच आई थिंक इज़ अ स्ट्रॉन्ग प्लेस टू बी, स्पेशली के जब आप खुद एम्ब्रेस कर रहे हैं तो दूसरों के लफ्ज आपको नहीं हर्ट कर सकते, राइट? इट्स लाइक दैट जॉन स्नो को जो टेरियन ने बोला था कि यू आर अ बास्टर्ड, वेयर इट एज एन आर्मर एंड नोबडी कैन हर्ट यू. आई गेट दैट, बट ओवर टाइम दैट कुड प्रॉब्ली हर्ट योर सेल्फ एस्टीम, राइट? लाइक इफ यू एम्ब्रेस दैट आइडेंटिटी दैट अदर पीपल आर प्रोजेक्टिंग ऑन यू एंड यू स्टार्ट थिंकिंग यू आर दैट, इट डज कॉज अ लॉन्ग टर्म. इट डज यार, एंड ऑनेस्टली आई फील ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं जो जो हम एक मोमेंट में बोल देते हैं, नॉट इवन बीइंग इंटायरली मेलिशियस एट टाइम्स, किसी को ऐसे इन पासिंग कोई चीज़ बोल दी, हमें भी नहीं अंदाज़ा इसका कितना इफेक्ट हो सकता है, उनको भी शायद नहीं अंदाज़ा. एंड विद दिस मॉर्निंग शो यार, आई बीन मीटिंग साइकाइट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट प्रीटी मच एवरी वीक, और इसका फुल इम्पैक्ट बाद में जाके रियलाइज होता है. ये जो एक इनर चाइल्ड की बात करते हैं, 7 साल तक की जो उम्र तक, शाउट आउट टू अली लखानी, या बहुत सारे ट्रॉमास जो हैं बहुत ही मतलब अपेरेंटली स्मॉल चीज़ों से शुरू हो सकते हैं. यार इट्स एज सिंपल, इट टुक मी व्हाट टिल लाइक फर्स्ट टाइम आई वेंट टू थेरेपी टू माई लाइक, ये बात ठीक है थेरेपिस्ट ने बताई एंड शॉकिंग थी. It was something as simple as कि कुछ हुआ, so she was like, do you ask yourself how did it make you feel? I'm like, ये क्या मैं पागल हूँ, मैं अपने आप से कैसे पूछूँगा? She's like, do you look in the mirror and be like, Siddharth, how you feeling? I'm like, wait, what do you mean? And आप अपने आप को तो नहीं देखते यार. So like, even when you're young, yeah, if something is making you feel bad, आप generally you're in a terrible mood, but you can't pin it down because आप भी अपने आप से इतनी बात नहीं करते. आप भी अपने आप से बैठ कि यार अच्छा ये तो मैं कहता हूँ मेरा बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन मैं जब इससे मिलता हूँ मुझे बुरा फील होता है. सो व्हाट इज़ दिस? यू डोंट हैव दैट. सो ग्रोइंग अप नहीं थी एम्पथी इतनी, नहीं थी वोकैबुलरी. इनफैक्ट मैंने अभी ट्वीट किया यार, एक 9 साल का बच्चा, इफ़ यू प्रॉब्ली सीन, वाज बीइंग बुलीड एंड आई वांटेड टू ऑस्ट्रेलिया वाला या कुछ. हाँ, तो फिर ब्रैड विलियम्स आल्सो रेज मनी टू सेंड टू डिज़्नीलैंड, तो मैंने वही रीट्वीट की थी एंड देन समबडी वाज लाइक आयरोनिक. आई वाज लाइक व्हाट, लाइक यू बुलीड मी इन हाई स्कूल? आई वाज लाइक आई एम सो सॉरी यार, बैक व्हेन वी वर 16. आई वाज लाइक व्हाट हैपेंड? एंड ही वाज लाइक मैम, आई थिंक वो उसका एडमिशन भी नहीं हुआ था, एडमिशन करवाने आया था फाइनेंस ऑफिस, और मैंने कुछ पासिंग में कुछ कह दिया था उसको, एंड दिस इज 15 years अगो एट दिस पॉइंट. तो ऑब्वियसली मुझे तो याद भी नहीं था, बट क्लियरली दैट पर्सन रिमेंबर्ड एंड आई वाज लाइक यार आई एम सो सॉरी, आई डिडंट इवन रियलाइज दैट चलते फिरते आपने ऐसी किसी को कुछ बोल दिया. बिल्कुल. एंड आई एम श्योर ही इज मूव्ड ऑन विद हिज लाइफ, ही इज लिविंग अ ग्रेट लाइफ, आई एम श्योर, बट द फैक्ट दैट ही स्टिल रिमेंबर्ड, एंड आई एम नॉट श्योर इफ इट मीन्स शिट, बट obviously I'm really really sorry. It is, yeah, it is a very complex thing, and I khair ye to ek badi sanjeeda is pe take hai. There's also another side to this which I'm sometimes frustrated by, ke offense ko humne ek aisi cheez bana liya hai, like knee jerk reaction bana liya hai takriban, ke on one hand aap kuch bol rahe ho, theek hai, uska I don't know how to phrase this entirely, but let's say ke maine bully kiya kisi ko, theek hai,
मकसद ये नहीं था कि इसका इतना लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट हो, लेकिन क्लियरली कुछ एक मैलिस था उसमें. नहीं पता था आपको किसी को अपना लाइक पावर स्ट्रक्चर या व्हाटएवर इस पे दिखाना. बॉयज का ये भी तो होता है कि यार ओ आज सब अकबर को बुली कर रहे हैं, अगर मैंने अकबर की साइड ली तो मैं भी बुली हूँ. सो देयर इज ऑल्सो द फियर. इट्स नॉट कि यू आर अ बैड पर्सन जस्ट बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ द मॉब. यू आर ऑल्सो अफ्रेड के आज मैंने नहीं किया तो कल. आई डोंट नो इसका मतलब ये आइडियल सिचुएशन क्या है कि डू देयर एग्जिस्ट स्कूल्स जहाँ पे बुलिंग नहीं होती बिल्कुल भी, या जहाँ ऐसे बच्चे जाते हैं जिनकी जो, क्योंकि अगर कोई बुली कर रहा है किसी वजह से ही कर रहा है ना, उसके साथ बचपन में कुछ एक एनवायरनमेंट ऐसा रहा होगा, तो क्या ऐसा भी होता है? आई डोंट नो. ठीक है, बट ऑन द फ्लिप साइड ये जो हम कॉमेडी में करते हैं अक्सर कि वी डोंट एक्चुअली मीन एनी ऑफेंस, एक बड़ी नुआंस्ड किस्म की बात होती है, एंड येट पीपल टेक ऑफेंस टू इट एनी वे, राइट? एंड दैट फ्रस्ट्रेट्स मी बिकॉज यू आर नॉट लाइक, जस्ट टू इलस्ट्रेट दिस विद एन एग्जाम्पल, कल या परसों जब ये कोरोना वायरस वाली न्यूज़ आई, सो आई जस्ट ट्वीटेड कि जी कन्फर्म हो गया केस कराची में, बट फॉर्चुनेटली मलीर कैंट में नहीं जा सकता कोरोना वायरस. एंड ऑब्वियसली आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ द वायरस. इवन इफ आई एम मेकिंग फन ऑफ द वायरस, दैट इज़ द बैड थिंग, राइट? मैं किसी इंसान की सफरिंग का मजाक नहीं उड़ा रहा. मैं इस जोक के कॉन्टेक्स्ट में आई एम मेकिंग फन ऑफ द फैक्ट कि मलीर कैंट में जाना बड़ा एक मुश्किल क्या कहते हैं ऑर्डियल है, एक प्रोसेस है पूरा. पीपल आर लाइक के वाई नथिंग, नॉट एवरीथिंग इज़ अ जोक, वाई आर यू मेकिंग फन ऑफ कोरोना वायरस, दो टके का कमेडियन, सस्ती शोहरत. पता नहीं ये सस्ती शोहरत क्यों आ जाती है फॉरन, आई डोंट नो, आई डोंट नॉट अंडरस्टैंड दिस. यही तो तुम्हारा वायरल ट्वीट था ना, इसी तो तुम्हें शोहरत चाहिए थी. हाँ, यही तो था. तो ये मुझे नहीं समझ में आता कि यार वाई डू वी हैव दिस नी जर्क रिएक्शन टू स्टफ लाइक दिस इन कॉमेडी. आपको एक और एनेक्डोट सुनाता हूँ. मैं अपनी इसी तरह फलसफे कॉमेडी के जो मैं अक्सर डिस्कस करता हूँ, मैं बात कर रहा था. आई वाज लाइक यू नो मेरे लिए पावर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पंचिंग अप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज अपोज टू द जोक. सो इफ समबडी इज़ कॉलिंग डोनाल्ड ट्रंप एन अगली फैट ट्रोल, आई एम फाइन विद इट. एंड दूसरा जो इंसान था वाज लाइक यू नो नहीं ये फिर भी फैट शेमिंग होती है और ये, आई वाज लाइक आई गेट दैट पर्सपेक्टिव. एंड ऑब्वियसली इन जनरल आई एग्री कि आप जिस तरह हमारी भी फिलोसफी, यू मेक फन ऑफ व्हाट दे डू नॉट हु दे आर, बट जब एक इंसान दुनिया का सबसे पावरफुल है वो थोड़ा फेयर गेम हो जाता है, राइट? बिकॉज यू ऑल्सो सी व्हाट दिस पर्सन इज डूइंग. तो वो बहुत ही के जो नहीं होता हाइपर वोक ओपिनियन के, नहीं आप तो ये भी नहीं बोल सकते. आज लाइक चलो ठीक है यार, दिस पर्सन इज अ बेटर पर्सन देन आई एम. 3 महीने बाद खबर आई कि वो इंसान अरेस्ट हो गया. अच्छा. वो मैं बता दूंगा तो लोग समझ जाएंगे कि कौन है. पर 3 महीने पहले कौन अरेस्ट हो. पर आज लाइक यार ये तो लाइक इसने तो मुझे स्कूल कर दिया था कि मैं देखो कितना ज़्यादा वो हूँ तुमसे. फिर एक दफ़ा मैं गाड़ी में था, बच्चे नहीं होते फूल जो बेचते हैं, उसमें से किसी बच्चे ने एन वर्ड यूज़ किया. अब जाहरी बात है एन वर्ड नहीं यूज़ करना चाहिए, प्रॉब्लमेटिक है. पर तुम किसको अपना वोक ओपिनियन, मतलब तुम गाड़ी में बैठकर इसको क्रिटिसाइज करके किसको दिखा रहे हो तुम वो को यार? वो 7 साल का बच्चा है, उसको पता भी नहीं है कि एन वर्ड होता क्या है. उसने प्रॉब्ली कुछ रैप सुन लिया होगा, कोई टीवी पे देख लिया होगा. Exactly. एंड उसको तो इंग्लिश आती भी नहीं है यार, उसने वो 4-5 लफ्ज रटे हुए हैं फूल बेचने के लिए. Exactly. उसको लगता है फूल बेच जाएंगे. सो ये जो वोक होना एक वेपन बन गया है, इनफैक्ट गेट कीपिंग हो गई है. जो हमने जैब मीडिया फेस्टिवल पे भी डिस्कस किया था, वेरी वेरी गुड डिस्कशन, के इट्स बिकम लेस अबाउट द इशू एंड इट्स बिकम मोर अबाउट और लुक एट हाउ मच बेटर आई एम देन यू एंड हाउ मच क्लाउड दैट वुड गेट यू. एग्जैक्टली आई एग्री विद दैट यार. एंड आई एग्जैक्टली वो जो हमने ZMF पे डिस्कस किया था, बड़ा अच्छा डिस्कशन था. एंड आई ऑलवेज बिलीव्ड के कॉन्टेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट. ऐसा नहीं हो सकता कि यू नो मतलब आई एज अ प्रिंसिपल बिलीव एवरी थिंग एंड एनी थिंग कैन एंड शुड बी जोक्ड अबाउट. ठीक है, बट ऑब्वियसली इस मुल्क में रहते हुए सोसाइटी में वी विल चूज नॉट टू जोक अबाउट सर्टन थिंग्स बिकॉज उसका कॉन्टेक्स्ट वी कैन नॉट पॉसिबली एक्सपेक्ट द जनरल ऑडियंस टू अप्रिशिएट कि हाँ इस नुआंस में जाएं. लेकिन क्या कहते हैं ये जो बात है कि भाई जैसे ही वो एक टैबू या एक टॉपिक इस तरह का आया जिससे आप जनरली एसोसिएट करते हैं इस पर तो बात ही नहीं करनी. हाँ ये तो जैसे ही किसी ने बात की हमने ऑफेंड हो जाना, ये नहीं देखना कि भाई उसके फेवर में या उसके अगेंस्ट बात हुई है, टारगेट क्या है,
And then I do think, is it the audience's job to actually dissect humor? Ke har joke ka subject kuch hai, target kuch aur hai, context kuch aur hai. I don't know. I'll tell you. I'll give you a good analogy to explain this to you, right? Like for instance, aap jaate ho ek sushi restaurant. Theek hai. And you be like, nahi, khana to paka hua hona chahiye. Humne sari zindagi pakaya hai. Ye kya hai? Ye to bura khana hai. That's fine. That's your opinion. But if you say कि ये तो शेफ ही नहीं होना चाहिए इसको कैंसिल करो नो या सो इफ वी आर मेकिंग सुशी इफ आर कॉमेडी इज सुशी आपने सारी जिंदगी खाना पकाया है डिफरेंट तरीके से खाया है यू हैव अ डिफरेंट ओपिनियन डोंट कम टू आवर शोज डोंट लाइक आवर पेज डोंट कम टू आवर सुशी रेस्टोरेंट राइट बट यू कांट रन अराउंड बी लाइक कि हम शेफ्स ही नहीं है exactly. हम कर ही नहीं सकते हम बुरे लोग हैं या हमें तो आता ही नहीं है नो We and somehow, yeah, this is again something that evades me. Ke why is it so difficult to ignore things? Agar mujhe, maine literally apni life mein, mujhe koi cheez social media pe click nahi ki, resonate nahi ki, mujhe samajh mein nahi, maine us pe comment nahi kiya hai. Maine ya to unfollow kar diya hai, maine scroll down kar diya, whatever. I just don't care. It's not worth investing time into hating stuff you consume for free. It just doesn't make any sense to me. तो पता नहीं क्यों इतना मुश्किल है यार इग्नोर करना यार बिकॉज हम जो करते हैं वो लोगों को स्किल नहीं लगता ना राइट हर इंसान जो है दुनिया में उसने कोई ना कोई तो फनी बात की भी होगी एंड यू विल ऑलवेज बी फनियर लाइक फॉर इंस्टेंस हर इंसान कहता है यार मेरे एक दोस्त को स्टैंड अप कॉमेडियन होना चाहिए यस दैट पर्सन इज फनी टू यू बिकॉज यू हैव कॉन्टेक्स्ट तो अगर आप लोग बैठे चाय पी रहे हैं और वो कोई ऐसी लाइन बोल देता है जो सिक्स ग्रेड में आप लोग यूज करते थे एंड यू डाई ऑन द फ्लोर लाफिंग इट्स बिकॉज यू हैव कॉन्टेक्स्ट फॉर 10 years नॉट टू से दैट पर्सन कैन नॉट गो ऑन स्टेज एंड डू इट बट इट्स अ डिफरेंट क्राफ्ट तो वो एज अ स्किल नहीं लगता राइट तो अभी मैं भूल भी गया किसी से बात कर रहा था एंड मैंने ऐसी कैजुअली बात आज यू नो एज एन आर्टिस्ट दैट लाइक ओ यू आल्सो यू आर आल्सो एन आर्टिस्ट आई वाज लाइक yeah they're like what do you draw I was like no I mean like I'm a comedian it's like oh in the sense that everything is art toba yaar like it's quite clearly an art sure everything might just be an art like cooking might be an art but stand up comedy is a clear performing art and it's probably the most difficult performing art I mean but I see what you mean and I also think on the surface it doesn't appear so right ki woh jo tumne baat ki yaar koi apne doston ko azata hai hum jab stage pe chadhte hain hamare paas sirf ek mic hota hai aur apne alfaz aur to kuch nahi hota let's say if we had music for example if we had a keyboard or a piano or a guitar not everybody would be like abhi main rehearse kar raha tha us der uske liye KDSB के कार्निवल के लिए प्ले कर रहा था जब कोई एक्टर गलती करता था ना सर इसने मुझे क्यों नहीं दिया सो इट्स यू कैन ब्लेम इट ऑन समबडी एल्स लाइक मैंने नहीं गलती की इसका क्यों नहीं आया इसकी साउंड नहीं आई बट अगर हम खड़े हैं माइक के साथ एंड वी लाइक ओ वी आर फनी बिकॉज वी आर ऑल्सो सेइंग स्टैंड अप कॉमेडी वी आर नॉट सेइंग वी आर स्पीकिंग वी आर लाइक ये फनी होगा और फिर वो फनी नहीं हो इट्स इज यू Yeah. You've written it. You're performing it. किस लाइट सही नहीं थी हमारी शक्ल पे लाइट सही नहीं आ रही थी बहुत मुश्किल काम है यार वैसे एंड इफ यू थिंक अबाउट इट थोड़ा नार्सिसिस्टिक भी है लाइक आवर एक्सपेक्टेशन इज लोग पैसे देके हमें सुनने आएंगे और चुप रहेंगे और हम उनका मजाक उड़ाएंगे और उनको हंसाएंगे या आई मीन लाइक आई डोंट सी इट एज नार्सिसिस्टिक मतलब नॉट इन अ clinical way but on the surface of it which is why improv is a lot more kya kehte hain less anxious as well ki aapke sath ek puri team hai and matlab I have the privilege ki mere best friends mere sath hain it's never going to be like yaar we are going to bomb and nobody else is you know has your back so coming back to the ke stand up comedy log art nahi samajhte this is why they don't even rate it right if you see somebody dancing you're like main to nahi is tarah hil sakta this person is skilled than me right ye to khada baat kar raha hai baat to main bhi kar sakta hu lafz to mere muh se bhi nikal sakte hain to ye to skill nahi hai to phir jab wo aur 99.9% awam jo hume follow karti hai probably never been to our live shows we're live performers hamara forte tweets likhna nahi hai hamara forte ek line likhna nahi hai वो हम इसलिए लिखते हैं कि चलो सोशल मीडिया चलता रहे ताकि लोग हमारे लाइव शोज पर आए बिल्कुल सो व्हेन दे सी दैट देयर लाइक ये तो मैं भी लिख सकता हूँ इसने स्टेटस लिखा है मैं भी लिख सकता हूँ
So by them saying you're a bad comedian, they're essentially saying, oh, either I'm better than you or I know somebody better than you. It's more to do with you as a person. It's projection. Ki yaar, ye insaan achha nahi hai. Main aapko batata hoon achha kya hai. Isko kyun attention mil rahi hai? Mujhe attention milni chahiye. So and I think you've also experienced this when you engage with trolls, काफी हद तक disarm हो जाते हैं. 100%. They just want that attention. And you give it to them in a pleasant way, they're like, हाँ, ठीक है. आपके शो पे आएंगे हम. भाई मुझे हाँ तेरे शो की कौन टिकट ले गया ये दे दे. I'm like, चलो आजो फ्री में आजो. Bro, can I get two tickets? हाँ, exactly. तो या कमिंग बैक टू द ऑफेंस कल्चर, आपका कैंसिल कल्चर के बारे में क्या राय है यार? कैंसिल, अच्छा मैं एक और बात करना चाहूँगा, लेट्स बिफोर वी गेट ऑन टू कैंसिल कल्चर. एक और मेरी फ्रस्ट्रेशन है अराउंड दिस इज के जो तुम कह रहे हो कॉमेडी को या कमेडियन को एज सच एक पेशा नहीं माना जाता, एक स्किल नहीं रिकग्नाइज किया जाता. एनी अदर प्रोफेशन, लेट्स से माय एंड योर्स ऑल्टरनेट, और मतलब द प्रोफेशंस आर पेरेंट्स इंटेंडेड. तुम लॉयर हो, तुम्हारे साथ 5 सालों का एक्सपीरियंस है, डिग्रीज हैं. मैं इंजीनियर हूँ. अब अगर प्लेन की बात आती है, ठीक है, मैं एरोस्पेस इंजीनियर हूँ, मैं प्लेन की जब किसी से बात करूँगा, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है, मेरा तजर्बा है इस फील्ड में, तो मेरा ओपिनियन जो है इज़ अ लॉट मोर वैलिड एंड प्रॉबेबली करेक्ट देन अ लेमैन, राइट? ऐसा है या नहीं है? वही बात द सेम विद लॉ एंड एनी अदर प्रोफेशन. तो जब मैं कह रहा हूँ कि मैं कॉमेडी कर रहा हूँ 8-10 साल से, मैंने इतने शोज किए हुए हैं, वाई इज़ इट दैट कि एक लेमैन, एक ऑडियंस का पर्सन जो है, उसका ओपिनियन और मेरा ओपिनियन वैलिड या एक ही मतलब स्टैंडिंग हो सकती है उसकी? दिस तो इज एज सिंपल एज टॉकिंग, जो सब कर सकते हैं. उस पे यू आर मेकिंग दिस आर्ग्यूमेंट इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट, जो मोस्ट पीपल कांट फेस अ बॉल दैट्स कमिंग एट यू एट 140 किलोमीटर्स एन आवर. उस पे भी अगर कोई गलत शॉट, इसके जो टेक्निक है ना, वो एक्चुअली आई एम लाइक, अबू आपने कभी क्रिकेट नहीं खेली कभी जिंदगी में? खेल भी नहीं सकते इसकी एक्चुअली ना, बैट और पैड में जो फासला है ना ज़्यादा है ये, तो वो विच एक्चुअली इज अ हार्डर स्किल मे बी. ठीक है, यू कैन, एवरीबडी कैन होल्ड अ माइक, नॉट एवरीबडी बट मोस्ट पीपल कैन होल्ड अ माइक एंड टॉक गुड और बैड और वट एवर, बट मोस्ट पीपल कांट इवन फेस ब्रेटली. दिस इज ओल्ड आई एम, ब्रेटली वॉज द फर्स्ट पर्सन केम टू मी, डेल स्टेन या जो भी, बट फिर भी वो सबका ओपिनियन होता है कि यार क्रिकेट एक्चुअली शॉट क्या खेलना चाहिए था, स्ट्रेटजी क्या करनी चाहिए थी. तो वो तो होगा यार, यू कांट रियली, ह्यूमन कंडीशन, यू कांट रियली, इट्स जस्ट कॉन्वर्जेशन होनी चाहिए. लोग कॉन्वर्जेशन नहीं करते. डू यू थिंक ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है एज कमेडियंस टू एक्चुअली, जैसे अभी हम कर रहे हैं, एजुकेट द ऑडियंस? अभी ये सब ट्यून आउट हो चुके हैं, ये सिर्फ हम बात कर, अच्छा ये सिर्फ हमारे लिए, ये सिर्फ हमारे लिए, माइक बंद कर दो क्या? पिछले 10 मिनट से पहले सब के. बट डू यू एक्चुअली थिंक कि ऐसा जो टेक्निकल पार्ट है कॉमेडी का, नुआंस जो है, इस तरह की चीज़ें लोग को समझाना थोड़ी बेहतर तरीके में, मे बी एज अपोज टू व्हाट वी डूइंग राइट नाउ? यार देखो सर, मार मार के वी क्रिएटेड एन इंडस्ट्री. श्योर वे नॉट द फर्स्ट पीपल टू डू स्टैंड अप कॉमेडी इन पाकिस्तान. आप अगर एक्सपैंड करते हैं, यूर लाइक साध डिड स्टैंड अप कॉमेडी शोज, इफ़ यू एक्सपैंड द डेफिनेशन ऑफ स्टैंड अप कॉमेडीज, देन हनीफ राजा, उमर शरीफ, मुइन अख्तर, दीज पीपल हैज स्टूड ऑन अ माइक एंड टॉक, विच इज एसेंशियली स्टैंड अप कॉमेडी, इवन इफ इट वॉज नॉट कॉल्ड एज सच बिकॉज एक वेस्टर्न अमेरिकन टर्म है. तो फॉर्म और जॉनरा एग्जिस्ट करता है, शोज हो रहे थे, बट कब किया था मैंने T2F वाला शो, कब थे तुम्हारी सक्खर वाली इंटर्नशिप? 2011 में जब मैंने T2F पे किया था. सही. इट वाज इंक्लूसिव. ठीक है, क्या वर्कशॉप्स भी हुई, फिर हम प्लेस करते थे, फिर ऑडियंस आती थी, फिर फीडबैक लेते थे, फिर PSC से भी किया वन नाइट स्टैंड, क्रिएटिव नेम जिस तरह आप सक्खर से आए थे उस वक्त, कितना क्लेवर लगता था ना. एक दिन हो रही है कॉमेडी, क्या बोले से स्टैंड अप होगा इसमें, वन नाइट स्टैंड, फनी था. आई एग्री, बिकॉज ऑफ मे बी बिफोर दैट इन फैक्ट, और मे बी आफ्टर, आई एम नॉट श्योर, लुईस के डिड स्पेशल कॉल्ड वन नाइट स्टैंड, तो आई एम नॉट श्योर अगर वो पहले था या बाद में था. खैर, सो क्रिएटिव तो है रिगार्डलेस ऑफ वॉट लुईस के हैज डन, इट्स स्टिल अ क्रिएटिव टाइटल. क्या पॉइंट्स हैं सारे पास? हाँ, सो वी स्टार्ट डूइंग इट राइट, एंड देन जो शुरू में लोग आए हमारे पास, ठीक है, अब कुछ लोग आए थे, एक इंसान एंथनी जैसलनिक को देख कर आया था, बोला यही कॉमेडी होती है, तुम लोगों को नहीं पता.
मेरे जोक्स हैं कि मेरी नानी मर रही थी तो मैंने उनको उनको मदद नहीं की. ये T2F के ओपन माइक पे एक दफा परफॉर्म कर रहा था एंड यू नो T2F का ओपन माइक इज नॉट अ प्लेस फॉर कॉमेडी लेट अलोन डार्क कॉमेडी. सब खामोश स्टंड साइलेंस में ना देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है और मैं अकेला से जा रहा हूँ. दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटिफाइंग मोमेंट्स ऑफ माय लाइफ. तो वहाँ लोग आए जो पहला शो था पहला डर्टी था पहला सबसे पहला जो किया था हमने जिसमें ये लोग सारे थे. वाज दैट डर्टी वाज दैट नॉट डर्टी नौशीन भी थी आई थिंक दैट वाज डर्टी. यू वर नॉट पार्ट ऑफ द फर्स्ट डर्टी. मैं अच्छा अच्छा वो तो मैड स्कूल पे था. हाँ दैट वाज नॉट दैट वाज इन 2013 द फर्स्ट डर्टी शो वी डिड. बट यू वर नॉट पार्ट ऑफ दिस द नानी वाला द नानी मर्डरिंग शो. नहीं नहीं वो था उसमें. वो उसमें भी था बट वो उससे पहले भी. द पॉइंट इज कि हमने एक कम्युनिटी बनाई. हमने लोगों को लाए पीपल. We started having these conversations. We started खुद भी सीख रहे थे और सिखा भी रहे थे. It was like साथ साथ हाथ एंड हाथ राइट. तो at least you have representatives कि यार आपको कल कोई फलसफा है religion है आपने भेजे priests जगह जाऊँगा जो आके आपका message दे रहे हैं. So we found like-minded people. We found more comedians. So the fact that 50-60 लोग stand up comedy part time full time तो कोई पार्ट टाइम करते हैं या हर हफ्ते एटलीस्ट एक सम हफ्ते चार देवर वीक्स जहाँ साथ साथ स्टैंड अप कॉमेडी शोज कराची में हो रहे थे. इट गोज टू शो यू दैट इट्स बीन प्रोग्रेस राइट फ्रॉम दैट टू नाउ. तो ये जो हम बकवास करे जा रहे हैं 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 करे जा रहे हैं. इंटरेस्टिंगली एक इसी तरह हाइपर वोक इंसान है उन्होंने मुझे एक दफ़ा बोला कि यू नो कॉमेडी यू डोंट अंडरस्टैंड पंचिंग अप. आपको मुझे एंड आई नो दैट पर्सन एंड आई नो उसको एग्जैक्टली किसने समझाया है और उसको मैंने समझाया था. इट्स समबडी हसान नोज एसेंशियली. और हसान और मेरी ये कॉन्वर्जेशन बहुत टाइम पहले हुई थी पंचिंग अप वाली. एंड देन सिंस देन हसान इज डन अ ब्रिलियंट जॉब टेकिंग दैट फिलॉसफी एंड लाइक औरत नाक एसेंशियली इज पंचिंग अप एंड इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव. ये वो तो फिर मुझे बड़ी हंसी आई कि यार चलो आई एम बीइंग बीटन विद द सेम स्टिक. बट द फैक्ट दैट इवन दैट हैपेंड शोज यू ना कि यार कहीं जा रही हैं बातें. लोग सुन रहे हैं. मे बी डायरेक्टली उसका नहीं होगा. लाइक फॉर इंस्टेंस लेट्स से औरत नाक इट्स अ ब्रिलियंट ट्रूप. You and I have nothing to do with it. Yeah. Absolutely nothing. बिल्कुल. But we have a lot to do with Hasan. So वो कहीं ना कहीं सिलसिला चलता रहता है. आप एक बीज डालते हो you don't see it. You don't see the trees. But over years things happen. So it's all part of the movement. I agree with that. And मतलब it's nice that you've talked about this क्योंकि अक्सर हम realize नहीं करते और अक्सर हमारी conversation थोड़ी depressing होती हैं. उस दिन जैब मीडिया फेस्ट के बाद जब मैं घर गया मेरा मूड बड़ा ख़राब था. मैं कहा यार ये शहजाद से जब भी मिलता हूँ आई फील बैड. बट नो इट इज़ इनकरेजिंग यार बिकॉज ओपन माइक्स हमने कितने कराए एंड मतलब इट्स मे बी वन ऑफ द मोस्ट थैंकलेस एंड पेनफुल जॉब्स. एंड येट नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट तीन चार ऐसे बॉयज हैं जो वहाँ जिनको मौका मिला परफॉर्म करने का एंड दे आर डूइंग ग्रेट वर्क यार. बहुत मुझे तो एक्चुअली उनके शो में जाने की एक्साइटमेंट होती है. यू लुक एट समबडी लाइक कपासी राइट सेंड मी अ वीडियो वेबकैम कैमरा भी नहीं था वेबकैम वीडियो या कि मेरे जोक्स हैं मैं ला आ जाओ एंड नाउ इट इज अ ब्रिलियंट शोस या यू हैव कपासी अमार अजमल दीस बॉयज आर ग्रेट यार. हां एंड जस्ट द फैक्ट दैट इवन वेन्यूज़ ना हम अभी भी रोते हैं बट रिमेंबर बैक देन समझाना वेन्यू को जाके सर हम स्टैंड अप इम्प्रोव नहीं स्टैंड अप है ये इम्प्रोव है अच्छा शो होगा पैसे दें. मैंने जब पहली बार थिएटर शो किया था मेरा मोबाइल गिरवी पड़ा हुआ था उसमें मेरे पास पैसे नहीं थे. आज लाइक टिकट बेचेंगे तो आपको दे दूंगा टू द एक्सटेंट के यार जिसने कभी स्टैंड अप कॉमेडी शो नहीं किया इफ़ दे गो टू अ वेन्यू राइट नाउ एंड से मैंने स्टैंड अप कॉमेडी शो करना है एंड दे वुड बी लाइक टिकट स्प्लिट पे कर लें विद जीरो इन्वेस्टमेंट. It is. Huge, na. It's humongous. And ab hum thode narcissistic aur pompous sound kar rahe hain. But it's not like people turn around and give you credit, right? Ke ab chalo kisi ne tweet kar diya hai. But agar PSL 5 ho raha hai,
not everybody is going and being like, wow, Najam Sethi had a vision 6 years ago. Which is also fine, yeah, because ये चीज़ मैंने realize की है कि आप किसी के लिए जरिया बनते हैं. It's not कि आपने किसी को बना दिया. जैसे कपासी हो गया, कोई भी बॉय, एक्स वाई जी, आई कांट बिलीव आई एम सेइंग एक्स वाई जी, दे वर गोइंग टू बी ग्रेट रिगार्डलेस, राइट? यू जस्ट बिकेम वन ऑफ द मेनी पोटेंशियल वेज दे वर गोइंग टू गेट देयर. बट व्हेन यू लुक एट व्हाट यू हैव डन, और व्हेन आई लुक एट व्हाट आई हैव डन, वी कांट जस्ट लुक एट व्हाट वी हैव डन. वी हैव टू लुक एट द स्टैंड अप कॉमेडी लैंडस्केप एंड बी लाइक, have we moved the needle on this? And fuck yes. Fuck yes. So, jo shows 4 logon ke saath, 5 logon ke saath, ya shows jo aapne 5000, 10000, 15000 loss karke, ya theek hai, karo, 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 karo. Ye baat definitely hai. Like, I've often felt somewhat envious, but not in a negative way. In a way ke jaise agar hum abhi stand-up shuru karte, to we would have the luxury of an audience, right? We would have the luxury of some mentors, टेल अस के यार ये कर लो, ये ना करो, वो हो जाएगा, इस तरह बेहतर हो सकता है. बट आई वुडंट ट्रेड इट यार, वुड यू? मैं सोचता ही नहीं हूँ इस तरह से. इफ्स एंड बट्स एंड रिग्रेट्स तो है ही नहीं पार्ट ऑफ माई वोकैबुलरी. ऑल आई सी इज, एम आई हैप्पी वेयर आई एम टुडे? इफ आई एम, देन इट्स द जर्नी. एंड इफ आई एम नॉट, व्हाट द फक एम आई डूइंग टू चेंज दैट? तो अनलेस ऑब्वियसली किसी की कोई डेथ हो जाए, लव्ड वन, या इज डिजीज दैट दे कांट कंट्रोल, यूर प्रीटी मच सेट. इफ्स एंड रिग्रेट्स एंड ट्रेड्स, ऑब्वियसली वुड आई हैव लव्ड टू हैव अ शहजाद गयास व्हेन आई वाज स्टार्टिंग, या वुड यू हैव लव्ड टू हैव एन अकबर चौधरी व्हेन यू, या 100%. बट वी ऑल्सो हैड आवर फेयर शेयर ऑफ मेंटर्स, राइट? के फॉर एग्जाम्पल, नॉट इमीडिएटली व्हेन स्टार्टिंग आउट, बट निदा भट्ट, सबीन, साद हारून, दानिश अली इज वेल टू सम एक्सटेंट. नहीं यार, वो इतना रिग्रेट्स नहीं है कोई. इट्स ऑल पार्ट ऑफ द जर्नी, राइट? कोई लोग आपको बताते हैं किस तरफ जाना है, कोई बताते हैं किस तरफ नहीं जाना है. तो दीज गाइज सॉ समथिंग इन अस, दे सपोर्टेड अस जिस तरह भी कर सके उस वक्त. दैट्स ऑल्सो प्रिविलेज, राइट? सो या लाइक फॉर इंस्टेंस सबीन, नोबडी लुक्स एट अली असगर कपासी एंड सेज वाओ थैंक यू सबीन, विदाउट हर this would have happened. वो कनेक्शन लोगों के लिए ड्रॉ करना शायद इमीजिएट ना हो, बट 100% आई डोंट, मे बी इन अ डिफरेंट वे अली असगर कपासी वुड हैव, आई रियली लाइक अली असगर कपासी इसलिए मैं उसका नाम ले रहा हूँ, बट वट एवर 20-30 कमेडियंस मे बी वो उतने ही टैलेंटेड होते और वो डेस्क जॉब कर रहे होते और कभी नहीं ट्राई करते. हैड सबीन नॉट इन 2013, मैंने एक ईमेल किया था सबीन को, आई वाज लाइक, सो मैंने 2009 में जैबिस्ट का प्ले डायरेक्ट किया, 2010 में ये भी एक कहानी हुआ था जिसमें तुमने रिफ्यूज़ कर दिया था दरख्त बनना, इतना तुम्हें मैंने अच्छा रोल दिया, तुमने रिफ्यूज़ कर दिया. मैंने 2010 में अकबर चौधरी को रोल दिया दरख्त बनने का, उसने बोला मैं स्टार हूँ, मैं दरख्त नहीं बनूंगा. यू डन वन प्ले टिल देन, तब से इतना ही तुम से इतना ही गोना हमारा. उसमें लीड था मैं, सच अ टेरिबल टेरिबल एक्टर, बट ऑफिस नहीं नहीं नहीं, इट्स कॉल्ड क्या नाम था, ऑल इन द फैमिली. एंड ऑफ कोर्स मैं मेंटोर्स की क्या बात कर रहा हूँ विदाउट द मेंशन ऑफ जुहेब शेख, हु कम्प्लीटली चेंज माई लाइफ. तो या आई थिंक वी हैड अ फेयर शेयर ऑफ पीपल यार टू थैंक एंड हु शोड अस द वे. या या 100% वही प्लेन है, कुमैल के बड़े कुछ स्पाइकी बाल थे और बड़ा कूल कैरेक्टर था कुमैल. यार कुमैल amazing actor he has been since I've known him, but अच्छे लोग साथ में, अच्छे mentors, अच्छे guides, और फिर it's अगर मेरे ख्याल से consecutive years को compare करना शायद मुश्किल है, but if you draw out the bracket a little, 2014 में ले लो, साद was performing once a year, ठीक है, उसका साद अरुण का tour होता था, it would always be full, it would be a great show. But that is all the comedy that would happen in Pakistan, pretty much. Stand-up comedy as we know it, contemporary stand-up comedy. And now, abhi hum agar example lein, pichle hafte weekend pe 3 shows ho rahe the, tumne zikr kiya ki hafte aise hote hain jahan 7 shows ho rahe hain. 2-3 shows ab har hafte hona is not uncommon. It's not an outlier anymore.
And that's great progress. Or even for like schools, corporations, ke stand-up comedy as a genre. Yeah. Ki yaar stand-up comedy karwa dete hain. Whereas if previously you were booking Saad, you were booking Saad. Yeah. You weren't booking the genre. Exactly. You were booking Saad for his brand. To the extent ke aapke kuch wines banane wale hain. Jinko log book karte the ke aap live stand-up comedy. Even though wo live performance nahi hai. Yeah. But because they just wanted the brand, they just wanted ki yaar ye banda aake kar le. Exactly. And sometimes wo log, main gaya hu yaar events pe shuru shuru mein, Russell Peter ka material ho raha hai. I'm like, what? Tab digital itna nahi tha, sabne shayad nahi dekha hua hoga. Wo aap live Zakir Khan ka bhi material ho raha hai. Zakir Khan to aaj bhi ho raha hai. Zakir Khan ek bahut bade mentor hai Karachi stand up community ke. Jab main dekhta hu live shows pe jata hu, ha main bus pe baitha tha, ek ladki sath baith gaya, I'm like good change, plane se isne bus kar diya. Ya bachelor ko apartment hi mil raha, I'm like good yaar, it's good material. Yeah, I've heard it before. sounds familiar. So jo log stand up comedy karna bhi cha rahe hain, you do one joke that belongs to somebody else and it's pretty much it for you. Yeah, it's pretty much it for you. But yeah, I think ke jitna seriously hum is cheez ko lete hain, bahut sare log nahi lete, which is not fine, but there's nothing really you can do about it. But haan, jo log dekh rahe hain aspiring stand up comedians, your material has to be 100% original. It is camera mein dekh ke bolta hu, do not copy, do not plagiarize. It is a cardinal sin when it comes to this profession. And it, matlab cancel culture ki jo hum baat karne lage, hum cancel kar denge, cancel kar denge, but hum karte hain. हम करते हैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन जिसको आई थिंक लाफ्टर आफ्टर इफ्तार पे तुमने डाला था, एंड देन यू फाउंड आउट कि उनका रूटीन तो इज ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज का रूटीन. अच्छा, इसमें भी अजीब बातें होती हैं. तुमने वो इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट सुना है पेरेटो एफिशिएंसी का? नहीं. 80-20 जो होता है कि द 20% इज ओरिजिनल, इज दैट व्हाट दे सेड? हां, मतलब द कॉन्सेप्ट इज के आपकी जो किसी कंपनी की आई थिंक 20% एफर्ट की वजह से 80% रेवेन्यू जनरेट होता है. माइट बी मिस कोटिंग इट अ लिटिल, कॉन्सेप्ट ऐसा है. तो इन कॉमेडियंस की जस्टिफिकेशन ये थी कि यार 80% तो हमारा है, 20% बस हमने थोड़ा बोरो किया हुआ है. अजीब सी बात है, बट खैर, मे बी वी आर जस्ट टू पेडेंटिक अबाउट इट, बट दैट्स हाउ इट इज. यार पूरी दुनिया में ऐसा होता है, ओरिजिनल कंटेंट से ही बनते हैं सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस. देखो, एक शॉर्टकट है, एक लॉन्ग रूट है, ठीक है. जाकिर खान इज पॉपुलर. इफ यू स्टाइलिस्टिकली कॉपी हिम, यू विल इमीडिएटली गेट पॉपुलर. जिस तरह अभी है कि यार टाकोज तो नहीं चल रहे, बट थिन क्रस्ट पिज्जा वॉज अ थिंग, सब ने खोल लिया. बर्गर्स आर सब ने खोल लिए, चाय ढाबाज. सो बिकॉज पीपल आर मेकिंग गुड बर्गर्स, इफ यू ओपन अ बर्गर जॉइंट राइट नाउ एंड बर्गर्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड एज एन इंडस्ट्री और द फूड, लोग आ जाएंगे. पैन एशियन आजकल कूल चीज है. जो पैन एशियन रेस्टोरेंट कुत्तों की तरह भरा हुआ होता है. बट इफ यू आर शिट, यू आर शिट. इफ यू आर कॉपीइंग, अगर आपने चॉप चॉप वॉक का मॉडल लेकर उसको हॉप हॉप वॉक बना दिया, हॉप हॉप जॉग, आप आ जाओगे. Yeah. लेकिन वो चलेगा नहीं. जैसे कार्लोस मेंसिया, वन ऑफ द बिगेस्ट कॉमिक्स, एक दिन जो रोगन, हु बैक देन वाज अ नोबडी, और वेल नॉट नोबडी बट नॉट एज वेल नोन एज टुडे, उसने उसको एक दफा कन्फ्रंट किया, कॉमेडी सेलर पे ही था आई थिंक, या कॉमेडी स्टोर पे था, आई एम नॉट श्योर, कि यार तुम जोक छापते हो, खत्म खत्म, कार्लोस मेंसिया खत्म, एंड नाउ जो रोगन इज वन ऑफ द बिगेस्ट. डेन कुक, एक जोक उसने लुई सीके का छापा था, जब लुई सीके लिटरली कोई नहीं जानता, एक जोक उसने छापा था. एंड आज भी डेन को यही बोलता है, यार भाई मेरा फर्स्ट कॉमेडी एल्बम दैट वेंट डबल प्लैटिनम आई थिंक, मैं क्यों तुम्हारा एक जोक छापूंगा. बट द फैक्ट दैट क्वाइट क्लियरली इट सीम लाइक उसने छापा था, एंड आई गेट इट, मे बी कभी कभी सबकॉन्शियसली भी हो जाता है. ये भी होता है बिल्कुल. एक दफा मेरे साथ हुआ कि मैंने सुबह के 5 बजे को ट्वीट लाइक किया. सुबह में उठा, आई लाइक बहुत अच्छा थॉट आया, मैंने ट्वीट कर दिया. किसी का मैसेज आया, बोलता है शहजाद आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस, क्या हुआ? Like, ये मेरा रात का ट्वीट था, it was the same idea, of course, it was not a copy. I was like, oh, shit. मैंने realize भी नहीं किया. You make a mistake, mistake भी नहीं है, हो जाता है, तो you just take it down. And it's not an impossibility, right? Multiple people can come up with the same idea, and that happens all the time. But you acknowledging it is, मतलब I would, and I'm sure you would as well, कि अगर मैंने कोई अभी लिखा है status update या कुछ joke किया है,
और मैं देखता हूँ कि जी 10 घंटे पहले किसी ने इसी तरह का कुछ किया, आई वुड टेक इट डाउन कि हाँ ठीक है यार सेम आइडिया था, समबडी एल्स गॉट इट फर्स्ट. बट वो जो तुम पेडेंटिक, हम इतने पेडेंटिक हैं कि इवन दो हमने नहीं देखा हो अगर सेम हो वी वुड टेक इट डाउन लाइक ये हो चुका है जोक, बिकॉज वी आर वेरी केयरफुल. मोस्ट पीपल डोंट केयर. मे बी वन ऑफ द मोस्ट स्टैंड अप, द मोस्ट फेमस स्टैंड अप कॉमेडियंस करियर इज बिल्ट ऑन कॉपिंग जोक्स बाहर से भी. कुछ उनकी वीडियोज भी ऐसी होती हैं यूर लाइक ये इज दिस वीडियो शुड बी कॉल्ड टॉप इंटरनेट कॉमेंट्स. दैट्स ऑल्सो ट्रू फॉर अभी आई बिलीव मोरू ने एक वीडियो बनाई थी ना ऑफ ऑफ दीज वेरियस यूट्यूबर्स जिनके स्केचेस थे विच हैड बीन कॉपीड बाय अदर. तो ये तो हर जगह चल रहा है, सारे कॉपीड होते हैं. म्यूजिक में भी चल रहा है, पता नहीं आतिफ असलम ने कोई कोरियन गाना छाप लिया, हवा हवा तो बहुत बहुत पहले किया था, सज्जाद अली ने क्या कर लिया पता नहीं क्या, रेस का आई थिंक ओरिजिनल रेस का जो था, कोल्ड प्ले पे था एक, जो सेट्रियानी ने एक सूट किया था कि आपका ये पता नहीं कौन था, टेन इस तरह का जो था, ब्लर्ड लाइंस और सूट, ब्लर्ड लाइंस हैड टू प्ले मिलियंस मिलियंस ऑफ डॉलर्स. हो जाता है कभी कभी कभी, इट्स ऑब्वियस बट अगेन ये भी कॉन्टेक्स्ट वाली बात है ना. अगर somebody... आपका करियर इज बिल्ट ऑन दिस राइट, लाइक फॉर इंस्टेंस वाइंस वर अ थिंग, एवरीबडी वाज मेकिंग वाइंस, ठीक है, उस टाइम हम बैठे होते थे तो यार वाइंस बनाते हैं, ये वाइंस वाले हैं, इनको इतने पैसे मिलते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमें कुछ उज़ में नहीं आता. और जिसको देखो वाइंस 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 वाइन खत्म, जॉनर ही खत्म हो गया. सो लॉट ऑफ टाइम्स इवन जो हम कहते हैं यार साथ साथ स्टैंड अप कॉमेडी शोज हो रहे थे अब नहीं हो रहे, बिकॉज सो मेनी पीपल जंप्ड इन हु शुड नॉट हैव जंप्ड इन. 3 महीने आपने परफॉर्म किया है, घंटे का स्पेशल आ रहा है भाई, एन आवर ऑफ स्टैंड अप टेक्स यू ईयर्स. समबडी हु इज एट द टॉप ऑफ देयर गेम, शपेल, शपेल का जो पहला स्पेशल आया था वो उसने कुछ 10 साल बाद किया था, पहला नेटफ्लिक्स का आया था, वो 10 साल का उसका मटेरियल था उसके पास. एंड इवन फ्रॉम दैट इफ यू लुक एट अ प्रोग्रेसिवली इट्स स्टिल शपेल बट दे बिकम वर्स देन द फर्स्ट वन, क्योंकि फॉर द फर्स्ट वन हैड 10 ईयर्स ऑफ मैरिनेशन एंड देन द अदर्स हैव हैड लेस देन अ ईयर ऑफ मैरिनेशन. तो आपको फर्क नजर आ जाता है, अ ईयर ऑफ परफॉर्मिंग दैट मटीरियल डेली, या आपने 10 शोज जिंदगी में किए, 100 मिनट आप स्टेज पे हैं और आपका 60 मिनट्स का स्पेशल आ रहा है बिकॉज मनी. क्या ठीक है 750 की टिकट रख लेंगे, 75,000 एक रात में कमा लेंगे, बहुत हम. लेकिन वो भी नहीं कमाएंगे ना, मतलब अगर एक दफ़ा तो आ जाते हैं यार लोग. हाँ एक दफ़ा आ जाएंगे, एक दफ़ा आ जाएंगे. बट इसमें भी आई थिंक देयर टू साइड्स टू इट. एक तो ये है कि इट सीम्स लाइक यार ये भी कर रहा है जो हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, ये भी कर रहा है तो हम भी कर सकते हैं, एक वो मैंटेलिटी है. पर उसके साथ साथ एक परहैप्स एक इग्नोरेंस है, एक लैक ऑफ बीइंग सेंसिटिव टू दिस आर्ट फॉर्म, के नहीं पता, वाकई में नहीं पता कि ऐसा होता है. और शायद मैं एग्जाम्पल तो नहीं आ रहा कुछ दिमाग में, बट आई एम श्योर ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने इस तरह की कोई गलती करके देख लिया होगा और फिर अपना कोर्स करेक्ट कर लिया होगा. हाँ बट द अनफॉर्चुनेट थिंग इज कि क्योंकि इंडस्ट्री इतनी नेसिएंट है, कुछ जिन लोगों ने रियलाइज़ किया उन्होंने गलती की है, उन्होंने छोड़ ही दिया एंड वो एक एक साल तक फिर स्टेज पर ही नहीं गए. सही, विच ऑल्सो इज़ अ बैड थिंग बिकॉज द आइडिया इज़ कि इफ़ यू फेल देन यू कम बैक टू द सर्किट राइट. ऐसे भी कॉमेडियन है जो हर 2 साल बाद एक स्पेशल आते हैं और फिर 2 साल कोई परफॉर्मेंस नहीं होती, फिर 1 महीन स्पेशल आते हैं. लाइक ये क्या हो रहा है भाई, यू नीड टू, आप ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं नेट्स में खेलूँ ही ना, मैं रीजनल क्रिकेट खेलूँ ही ना, डोमेस्टिक खेलूँ ही ना और फिर वर्ल्ड कप में जाके डायरेक्ट मैच खेलूँ. इफ़ यू हैव नॉट हेल्ड अ बैट फॉर 2 ईयर्स हाउ डू यू एक्सपेक्ट टू गेट अप ऑन स्टेज. इट इज ट्रिकी स्पेशली ओवर हियर. मतलब जस्ट इन केस एनीबडी इज स्टिल वॉचिंग, आई डोंट थिंक सो. जो स्टैंड अप कॉमेडी का ट्रेडिशनली एक जो प्रोसेस रहता है वो यही है कि आप 5 मिनट लिखते हैं, ठीक है, आप फिर एक ओपन माइक जाते हैं, फिर एक और ओपन माइक जाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, होन करते हैं मटेरियल, आहिस्ता आहिस्ता यू कट आउट द फैट एंड इवेंचुअली कम टू अ पॉइंट के योर 5 मिनट्स योर टाइट 5 इज समथिंग दैट वर्क्स एवरीवेयर रिगार्डलेस ऑफ ऑडियंस वेन्यू ब्ला ब्ला ब्ला. और यही चीज़ कर करके आपने 1 घंटा बनाना होता है, ठीक है. अब इन बिग सिटीज़ या इस्टेब्लिश्ड कल्चर्स ऑफ कॉमेडी में जो इवन अब इंडिया में हो गया है, जैसे शिकागो में मैं जब वो आयोगा कोर्स कर रहा था, आई वुड मीट कॉमिक्स हु वर कमिंग फ्रॉम एन ओपन माइक, परफॉर्मिंग एट एन ओपन माइक एंड देन गोइंग टू अनदर ओपन माइक. तो मल्टीपल परफॉर्मेंसेज इन अ सिंगल डे, विच इज़ समथिंग द बोथ ऑफ अस मे बी डू अक्रॉस मंथ्स, ठीक है, नया मटेरियल को ट्राई करना.
तो ये बड़ा एक चैलेंज है, और आई कैन सी इफ इट्स सो डिफिकल्ट फॉर अस, एक और बंदे के लिए जो शायद अभी स्टार्ट कर रहा है, एंड आई एम नॉट सेइंग दिस इन अ पॉम्पस वे, इट्स जस्ट बिकॉज वी बीन डूइंग इट फॉर अ व्हाइल. इट्स हार्डर टू डू बट यू हैव नथिंग टू लूज. जिस तरह मेरा मसला ये है, आई कॉन्ट डू अ बैड शो. या आई कॉन्ट डू अ बैड शो, राइट? सो यू सीन, मैं पिछले पूरे साल से आई बिन ट्राइंग फॉर्मेट्स के किस फॉर्मेट पे नया मटेरियल लिख कर, फ्री शो है, फ्री आ जाओ, पैसे जो देने थे दो, बट ये नया मटेरियल होगा, सिर्फ ये वो. इवन देन यू कॉन्ट डू अ बैड शो, एंड टिल यू डोंट बॉम विद न्यू मटेरियल, इट्स नॉट गोइंग टू गेट बेटर. या बिकॉज आप फिर इजी लाफ्स जा रहे हो और आप मटेरियल को ब्रीद नहीं करने दे रहे हो. सही. तो बट यू थिंक एट दिस पॉइंट, एंड अगेन पता नहीं क्यों मुझे इन माई हेड पॉम्पस लग रही हैं बातें कि हम बॉम्ब नहीं करेंगे. नहीं करेंगे, इतना अच्छा नहीं. इट वोंट बी, ऑब्वियसली वोंट बी एज गुड एज, यू नो, जैसे कमांडर सेफगार्ड वाला जोक व्हिच यू बीन डूइंग फॉर अ व्हाइल जस्ट बिकॉज यू बीन परफॉर्मिंग इट सो मेनी टाइम्स, कि उसकी हर बीट, एवरीथिंग इज यू नो होन टू परफेक्शन. बट अभी जैसे इफ यू एंड आई कम अप विद लेट्स से हाफ एन आवर राइट नाउ एंड परफॉर्म इट टुनाइट, यू थिंक इट इज गोइंग टू बी ऑफुल? It's not going to be great because the material won't be great, we will be good. सही. तुम मुझे एक बुरा जोक अभी दो, या तुम कोई ऐसा जोक निकालो जो 6 साल पहले बॉम्ब हुआ था, यू कैन मेक इट वर्क. या बट यू आर परफॉर्मिंग इट फॉर द ऑडियंस, कि यार इनकी हंसी अभी आ जाए. यू आर नॉट परफॉर्मिंग इट, ओ दिस विल बी अ memorable joke forever. Yeah. And a lot of what I'm doing right now is just performing for the 100 people sitting in front of me and not thinking, oh, this will be amazing forever, right? Like, coming back to the chef analogy, you can make a great dish, but it's not going to be, like, aap kuch bahut hi kuch invent kar rahe hain, pehli dafa mein to shit hi hogi. Par agar aapko pata hai ki yaar burgers ban jate hain aasani se, your first burger might not be the best, but it's still not going to be bad. It's still going to be edible. So that makes sense. Low hanging fruit. Agar aap ek din mein karoge, I do improv shows. I do a 60 minute improv show. Yeah. Which is hilarious. Log mar rahe hote hain. Dirty ka daddy jo hai. Yeah. Jo aaya hai. They don't see the difference ke yaar isme aur 4 saal ke joke ke kya hoga, because they had the time of their life. Yeah. But Dirty ka daddy doesn't get me any material I can do in the next show. So wo bahut immediate. Somebody said something, I said something. I can't set that up. And then sometimes moments which I... problem, because just based on my experience and being an audience member in your shows, hamari jo audience hai, they definitely prefer ke logon ki le li, ha ha ha, zyada hasenge, as opposed to something you've been crafting for the last, let's say, year or so. Yeah, it's like this, right? Okay, for instance, mera Sindhi porn joke hai. Wo backup hai. It's like a safety net. I can go on like 80 foot ka trap wire, because mujhe pata hai yaar agar ye bomb kiya, main I can do Sindhi porn and I'm safe. Yeah. Wo repertoire mein hai. Sahi. Theek hai. Ab we don't work on a traditional model ki aapne material pe kaam kiya, special nikala, Netflix aaya, usne kaha da 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 da. If the aim is आज रात मैंने अच्छा शो करना है एंड मुझे और लोग चाहिए, बिकॉज द शो लाइक डर्टी का डैडी, यू कैन कम एवरी वीक, बिकॉज हर हफ्ते नया मटीरियल है. फिर ऐसे एक हमारा ये भी मसला है कि दो दफ़ा आप मटीरियल कर लो, पीपल आर लाइक ये तो हम सुन चुके हैं. मैंने एक दफ़ा पहले किया है यार ये. खुदा का खौफ करो भाई, यू टेक्स हंड्रेड्स ऑफ परफॉर्मेंस फॉर द बेस्ट कमेडियन इन द वर्ल्ड टू कम विद मटीरियल, आप मुझे दो दफ़ा नहीं करने देते. So they would, audience, that immediate audience would definitely prefer it. But you're not getting those great bits. Or like, agar kal ko Netflix aata hai, agar main sab chhod dun material. Or even corporate shows for that matter. So corporate shows mein you're not going to be like, CEO aap to chutiya is tarah karke CEO ki le rahe hoge. I've done वैसे improv corporates as well. Obviously they're not dirty. They're like fun ke... आपके बॉस आए हुए, इनसे आप सवाल पूछें, अच्छा आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं. बट यू स्टिल नीड सम सॉलिड मटेरियल व्हिच वुड ऑब्वियसली नॉट बी बिल्ट ड्यूरिंग कंप्लीटली इम्प्रोवाइज्ड शोज. वर्क्स, बोथ वर्क यार. लाइक
if you talk company specific things, some I've realized companies have become a lot more open. Do teen companies ne mujhe bola aap aake hamara roast kare. Acha. Ha ha. It's great. So it was all material about them which I can't do anywhere else. Plus skill set hai na, ab agar let's say material nahi bhi hai mere paas aur koi company aati hai, bank aata hai, telecom aata hai, bolta yaar ye hamari cheeze hain. I'll make a set about them or I'll talk about what they're doing. Unke office mein kya ho raha hai. And they always enjoyed more. They always enjoyed more, right? So you still have a great live show. It's that Netflix dream. Right. Agar main ek saal improv shows karun, I have nothing to show for it. That's true. But maybe that's also like a traditional old school. Hum budde logo ki baate kar rahe hain. Haan, wohi hai. Objective clear hona chahiye na. If the objective is to make sure the people leaving that night have a great time. So then that can be accomplished in a variety of ways. Whereas if the dream is, the objective is ke ek ghanta solid material hona chahiye, which works everywhere, which can potentially be put up online and monetized. So tumhare hain dreams ke yaar ek ghanta itna solid ho ke Netflix ho jaye fir world tour ho. Ah, of course, yeah, that would be the dream, right? Yeah. Would you be, we wouldn't be doing this podcast if we had that. To koi sun to nahi raha. I am 100 koi hoga ek koi comedy nerd jo hai na Gulchan Iqbal mein raat ke 3 baje chali aaye ke paas basically. Nahi nahi, wo lighthouse ke paas rehta. Acha. Yaar, so that's Parisha se main baat kar raha tha, and even though she's a little younger than me, usne itni profound baat ki na main zara ruk gaya tha. Aur phir tab se main wo bahut apne life mein apply kar raha hu aur kafi mushkil hota hai kabhi kabhi. Theek hai. Usko main bol raha tha stand up kare, because she's done theater and she's really good and she can do anything honestly. And I was like, you know, you really need to do stand-up. Main push kar raha tha. And she's like, I really want to do it. I was like, theek hai. Phir I was like, kyun nahi kar rahi ho? So like, I thought about it. And I really want to do it. But then I made my 5-year vision. I was like, this is where I want to be in 5 years. Does this bring me closer to that? If it doesn't, then it takes me away from it. So agar main jo 5 saal mein achieve karna hai, agar usme, agar main ek saal stand-up comedy karke, wo 5 to 6 ho jata hai. Then मैं वो एक साल waste कर रही हूँ. I'm like, कटाई हूँ. बड़ी heavy बात. कटाई हूँ. और मैं एक बुरा show भी नहीं कर सकता. I can't get over that mental barrier. Yeah. I honestly have never thought like this. और ये जो मैं थोड़ी बहुत कोशिश करता हूँ cross reading की अपने अपने field से बाहर की किताबें पढ़ने की, वो सब में यही जो success stories हैं CEOs ki, people who, you know, are celebrated even centuries later, sabka yahi hota hai yaar. Crazy dedication, passion, focus. Pata nahi lazy hote hain hum artist log, ye kya hai? Comfort yaar. I mean, Mughals ka downfall, pata hai, hum ratte lagwa dete hain, lessons nahi jaate. Theek hai, you're not gonna be a Mughal badshah. Main to hun yaar. तो मुगल चौधरी हो ना, अकबर, अकबर चौधरी, अकबर चौधरी. बट एनी टाइम यू आर कंफर्टेबल, यू आर डन जनरली इन लाइफ एज वेल, राइट? अगर मैं लेट्स से चलना शुरू कर दूँ, मतलब चलना छोड़ दूँ, अगर मेरे घर पैसे आ रहे हैं और मैं बिस्तर में बैठा रहूँ, सामने नेटफ्लिक्स देखता रहूँ, यू आर डन एज अ पर्सन. और इट ऑल्सो मेक्स यू नॉट अ हैप्पी पर्सन. यू थिंक कम्फर्ट इज द एम, कम्फर्ट इज नॉट द एम. फुलफिलमेंट इज द एम. Contentment. Even आप जो ये शो आते हैं US में, वेयर क्रेन बुलानी पड़ती है किसी को बिस्तर से निकालने के लिए, कि वो बिस्तर में इतने कंफर्टेबल हो गए थे कि वो अब इतने मोटे हो गए कि वो बिस्तर से नहीं निकल सकते, और एक क्रेन घर तोड़ के उनको निकालती है हॉस्पिटल ले जाने के लिए. ऐसा कि वो खातून की जो स्किन थी वो फैब्रिक के साथ फ्यूज हो गई थी. लाइक इमेजिन हाउ लॉन्ग समबडी हैज बीन इन दैट पोजीशन. फैब्रिक के साथ फ्यूज हो गई थी. Oh my God! So did that person not even move? Because आप थोड़ा पैर भी हिला दें तो पता नहीं क्या सीन था भाई. मतलब I'm telling you legit, ये देखा है मैंने. So चलें, ये extreme example है. But the fact के even now I know कि मैं अगर ड्यूटी का डैडी कर लूँगा, 750 की टिकट होगी, 100 लोग आ जाएंगे, it's a good paycheck, घर जाओ सो जाओ. But that's really started bothering me now. कि यार
because that's still comfortable, right? It's very comfortable. You know ke it's probably not going to be a bad show. Yeah. You probably will end up making more money than most people will make in a month. Yeah. And ki guzara ho jayega yaar, khana mil jayega. For instance, I'm now dead set. I'm moving out. मैंने अपने आप को महीने की डेडलाइन दी थी जो ख़त्म होने वाली है दो दिन में, लेकिन मैंने ऑफर्स एक दो दी हुई हैं और मेरे पास नहीं है पैसे रेंट देने के. लिजिट आई डोंट हैव द मनी. आई हैव द मनी टू पुट अ डाउन पेमेंट शुरू का, दो महीने का मैं दे दूंगा रेंट. बट माई थिंग इज़, जो सारे जो मेरे प्रूडेंट दोस्त हैं जो मुझे देखते हैं बोलते हैं तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, इसके यार मैं अगर दो महीने, मेरे पास लीड टाइम, अगर मैं दो महीने में रेंट भी नहीं मेकअप कर सकूंगा देन तो आई एम नॉट इन अ गुड प्लेस इन माई लाइफ. आई शुड बी एबल टू मेक रेंट इन टू मंथ्स. इफ आई कांट देन आई बीन लाइक लाइंग टू माई सेल्फ विद द लाइफ आई एम लिविंग, क्योंकि मैं घर पे रहता हूँ, रेंट नहीं देता. इट्स आई एम लिविंग, आई नीड टू चेंज माई लाइफ स्टाइल बिकॉज आई एम नॉट लिविंग अ लाइफ स्टाइल दैट आई अर्न. सो वो कॉम्प्रोमाइज़ अब करने बहुत ज़रूरी हैं कि यार अगर तुमने लिखना है, तुमने बोला है कि तीन महीने, लेट्स से आई एम लाइक मैं आई वांट टू नाउ राइट, आई एम नॉट गोइंग टू परफॉर्म फॉर थ्री मंथ्स इवन इफ आई गेट ऑफर्स, जो नहीं हो सकेगा कस घर चलाना है. बट अगर लेट्स से आप इस वर्ल्ड में होते कि आपका इतना डिसिप्लिन होता हो, देन यू गॉट बी फाइन विद कि यार तीन महीने में मेरे पास ये पैसे हैं. तो अगर आज एक इवेंट है, मैंने अली सेठी जाना है यार, इतना मुझे शौक है, बट 5,000 की टिकट है. आई एम जस्ट लाइक 5,000 तो नहीं है मेरे पास, मतलब है बट देने के लिए नहीं है. सो यू नीड दैट, यू रियली नीड दैट टू ऑल्टर योर लाइफस्टाइल. जस्ट अनदर थॉट ऑन व्हाट यू आर सेइंग, अक्सर जो साथ के हमारे दोस्त हैं वो स्टार्टेड आउट एट द सेम टाइम के, जो थोड़े नेगेटिव मोमेंट्स होते हैं उसमें होता है ना फ्रस्ट्रेशन होती है, यार हमने इतने साल मरवाई है, इतना स्ट्रगल किया है. एंड आई डिसएग्री विद दैट बिकॉज ठीक है मेहनत तो हमने डाउटलेस बहुत की है, बट हमने स्ट्रगल तो नहीं किया ना. मतलब एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग दिस करियर ऐसा नहीं था कि हमारे सर के ऊपर छत नहीं थी, बेड टू स्लीप ऑन, ऐसा नहीं था कभी कि खाने को नहीं था कुछ. आई मीन वी हैवंट स्ट्रगल्ड एज मच एज अनन्या पांडे. सॉरी तुम नहीं फॉलो करते? नहीं. अनन्या पांडे डिड इंटरव्यू. ओह या या, जिसमें वो गली बॉय वाले बॉय ने ले ली थी जिधर आपके ख्वाब शुरू होते. तो आई फील लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्नॉलेज दिस प्रिविलेज के आई डू नॉट थिंक, अगर हम इस प्रिविलेज क्लास से नहीं, अगर बिलोंग नहीं करते, हम नहीं कर रहे होते स्टैंड अप कॉमेडी. आई एक्नॉलेज दैट प्रिविलेज अकबर, बट इट्स ऑल्सो सारी स्ट्रगल्स डिफरेंट होती हैं, राइट? लाइक फॉर इंस्टेंस कोई अगर दूसरी लाइक एक कॉमिक हमारे हैं जो एक दूसरे सोशल स्टेटस से आए थे, उनके लिए कि यार 5,000 मिल गए, 10,000 मिल गए, तो घर वाले लाइक वेट व्हाट. ठीक है. एंड समबडी हु स्टार्टेड विद मी वाज वर्किंग एज अ केएफसी बॉय, जो नहीं होता. तो इट्स अ डिफरेंट स्ट्रगल, बट देन इट्स अ डिफरेंट वो. वेयर एज आई डोंट नो इफ यू वुड रिलेट द स्टिग्मा, देर इज़ अ लॉट ऑफ स्टिग्मा यार. लोग तुमने लम से पढ़ा है फिर तुम ये क्यों करते हो, अच्छा तुम क्या कर रहे हो, तुम क्यों कर रहे हो. एंड इवन लाइक पढ़े लिखे लोग कभी कभी ऐसे बातें करते हैं लाइक यार ऑफ कोर्स व्हाट इज रॉन्ग विद यू. सो टू जस्ट फाइट दैट एवरी सिंगल डे, देन पाकिस्तान, इवन दिस हस्ती शोहरत ये कर रहे हो, ये कर रहे हो, जस्ट ओवर द ईयर्स इट गेट्स टू यू, राइट? आई हैव जस्ट स्टॉप्ड नाउ लिसनिंग टू यू. वो भी तो यार एक स्ट्रगल है ना, टू ऑल्सो टू लुक एट योर फ्रेंड्स, राइट? अब मैं नाम से पढ़ा हूँ, तुमने मास्टर की है एरोस्पेस इंजीनियरिंग में. आई मीट माई फ्रेंड्स, आई गेट अ सेंस ऑफ व्हाट देयर सैलरी इज, आई एम जस्ट लाइक व्हाट द फक. इस बंदे के पास दो SUV हैं और हम दोनों साथ पढ़े थे, हम दोनों साथ प्रॉब्ली एन इक्वल अमाउंट ऑफ एफर्ट. एंड it's I see what you mean, but that's still a choice, right? You got to make that choice. I agree. Yeah. But that doesn't mean all of this doesn't get to you, right? And also, okay, sometimes a new upcoming comedian would come and be like, oh, why is Shahzad getting this? I'm funnier, whatever. You're like, I still think, despite all of this,
both of us are two of the hardest working comedians. I don't see many comedians who work harder at this. Yeah. Than we do. Even in terms of producing the shows, even in terms of writing, even in terms of doing this, yaar. Matlab 2 ghante hum baith kar bore kar rahe hain logon ko samjhane ke liye ki yaar hai kya art form. It's all work, right? It's all work that we're putting in the podcast. It's time that I put in because I'm like, logon ko ye cheezein batani zaruri hai. And it's a lot of times it's very thankless and it's very fruitless. So there is a struggle to it. It might not be class, it might not be gender, it might not be sexuality. And nature is different. I just mean it from a more primitive maybe point of view. Okay, when your necessities are taken care of. I just mean it in that regard. We don't have to worry about, you know, our roti kapda makan, so to speak. That's a privilege. That's a huge privilege. So but obviously, the struggle comes with every profession as well. Is tarah ki jo tum baat kar rahe ho. Haan, flip hote hain yaar. Meri, this person wanted to do stand-up who's very rich. Wahan pe phir wo ek dusra masla tha ki humai high-class society mein log kya kahenge. Stand-up ke meet. Oh my God. Achha, math school pe to nahi kar sakte hame. Yeah. So wo sab ke apne masle hote hain. Obviously, bhook sabse bada hai. But beyond the privilege of being well fed, having a roof over your head, basic necessities ki privilege ke baad se, uske beyond phir sare aapke dimaag ki masle hote hain. What bothers you? What's a bigger struggle for you? I agree with that, yeah. And it's different for everybody. Career wise, jo ye to tumne baat ki na ki aap lam se pade hain, ye shuru mein mujhe kaafi bother karti hai definitely. Ki ye to acha khasa aapne. Like, matlab, this joke I do, and this again happened verbatim, ke, after graduating from NUST, ek saal mein kaam kar raha tha, lote pe. So I quit that job and I was like, yaar, ab comedy full time karte. So, kuch relatives aaye, and they're like, ke, kya chal raha hai, lote kaisa hai. Maine kaha, nahi, wo to maine chhod diya, acha, kyun? Because it's in that. In that engineering world, Lotte was a good company, multinational, pays well, whatever, benefits. So, kyun chhod diya? Ab main comedy kar raha hu. Achha, so shock tha, literal shock. And that is also, yeah, considering the society we live in, that's justified. Yeah. They don't know any better, right? Ki achha, comedy kar rahe ho. Chalo, jo Allah ki marzi. And mujhe badi funny lagi baat, but thodi, yeah, it does get to you, ke, yaar. Matlab, obviously, you want aapke aas-paas ke log hai, unka unconditional and complete support, right? That's what you want. But it's also, meri, ab life philosophy ke everything is projection. I also feel we get a lot of hate because people are like, how the fuck is this asshole trying to live his or her dream? How the fuck is this asshole doing this? Whereas hum ye hai. So let me, rather than supporting, let me try and bring that person down. And hum bahut negative baatein keh rahe hain. It's also ye jab sab main existential dilemma mein guzar raha tha, abhi maine Islamabad mein ek show kiya. Meri ek bahut achi dost hai, wo apni dost ko lekar aaye the. And main isi ke yaar bas kar do, aur har tour pe hum like, ye last tour hai, kya kar raha hu main, 10 saal se yahi kar raha hu, kyun kar raha hu, da 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 da. And then after the show, that person messaged that last year, my colleague took me to the show. His dad passed away unexpectedly. He came in the morning and got a message. And this news sunke in like either immediately or a couple of weeks after, the mother had a cardiac arrest. Oh God! And like 2-3 weeks later, she also passed away. And that guy had written a message that please, Shahzad ko bhej do. It's been a year since I laughed and tonight was the first time after all of that. And I was like, yaar, ek bhi insaan ki zindagi mein, agar main ye kar saka, ek bhi insaan ki zindagi mein. And this is a person, this is a close colleague of a close friend, to mere tak baat pahunch gayi. Kitne log hain unki zindagi mein, kya chal raha hai, kya ho raha hai. To agar wo ek raat bhi saath aakar, bhula kar, we can pretend that everything is good and have a laugh. It's fine. I actually have the same opinion and I received a contrasting opinion which I'd like to share with you. Pehle to haan, achhi aapne direction liye ki thodi uplifting baatein karte.
बड़ी थैंक यू टू आर टू लिसनर्स हु आर स्टिल हियर. हां अभी तक अगर आपके आंसू नहीं निकले तो थोड़ी अब हंसा जी इस तरह के यार. नहीं तुमने अच्छा है तुमने वो प्रिविलेज की बात कर ली, लोग गालियां देने वाले होंगे कि अबे मेरे पास गाने के पैसे नहीं है, बड़वे कह रहे इनकी कॉमेडी के नुआंसेस लोगों को समझने का. यार इसने टारगेट को मिस कर दिया ब्रो, ये कैसे यार मेरे बवासीर इनको कॉमेडी के मसले. आई हैव आल्सो रिसीव्ड ओवर द इयर्स इस तरह के ना हार्ट वार्मिंग मैसेजेस एंड हैरोइंग स्टोरीज. मतलब यकीन नहीं आता कि इस तरह की भी चीज़ें हो रही हैं दुनिया में. सो दिस लेडी मैसेज मी के शी मूव्ड अब्रॉड, वाज मैरिड देयर, देन सफर्ड वेरी मतलब सम सॉर्ट ऑफ टर्मिनल इलनेस एंड शादी में मसले हो गए, पता नहीं क्या, अल्लाह माफ़ करे क्या क्या हुआ था. एंड ड्यूरिंग दैट टाइम मेरी कोई वीडियो देखी या सम स्टैंड अप सेट एंड दैट यू नो मेड इट ओके फॉर दैट मोमेंट. एंड शी रोट मी अ हार्ट फेल्ट मैसेज. और वही बात है कि यार यू थिंक सब कुछ कर रहे हैं, मे बी इफ इट्स ऑल फॉर नथिंग, बट एक बंदे ने 10 मिनट के लिए भी अगर हंस लिया तो बड़ी अच्छी बात है. अक्सर शोज के बाद हमें इस तरह के लोग मिले. वी आर दिस वन जेंटलमैन हु टोल्ड अस आई डोंट नो ओह शिट क्रैम्प आ गया. He said ke he had been having a very very difficult time in his life. He was contemplating suicide and then just that you know 90 minutes of catharsis due to laughing so hard made it seem okay. So is tarah ke aksar messages aate hain. But I shared this with a friend. Ek gora tha. Gore hai na hamesha kaam kharab karte hain. मत बताओ यार, दिस इज व्हाट आई एम होल्डिंग ऑन टू. तो मैंने उसका बेसिकली जब मैं वहाँ शिकागो गया था तो मेरी क्लास में जो एक बॉय था टैविश नाम है उसका, तो वो मेरी शादी के लिए भी यहाँ आया था. टैविश हैश में? नहीं 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 टैविश फोर्स. अच्छा. तो बिफोर द वेडिंग वी ऑल वेंट टू द बीच एंड बड़ा मजा आता है. इज अ वेरी इंटेलेक्चुअल गाय, वहाँ जॉन्स हॉपकिंस पे इम्प्रोव पढ़ाता है, काफ़ी सीन है उसका. तो मैंने उसको यही बात बताई कि समटाइम्स यू नो इट्स वेरी डिप्रेसिंग बट देन यू थिंक यू मेड अ डिफरेंस इन एटलीस्ट वन पर्सन्स लाइफ एंड देन इट काइंड ऑफ मेक्स यू फील बेटर, इट्स ओके. तो ही सेड कि यार ये बड़ा माइक्रोस्कोपिक व्यू है चीज़ों को देखने का. इफ़ यू रियली वांट टू मेक अ डिफरेंस इन वन पर्सन्स लाइफ देन यू कंडीशन द एंटायर एक्सपीरियंस अराउंड दैट पर्सन्स लाइफ. जैसे कि एक कोई एक्सपेरिमेंट इस तरह का हुआ था कि भाई कोई एक कोई इंसान था जिसका मसला चल रहा था, तो आसपास के सारे लोग कॉलीग स्कूल पेरेंट्स सिब्लिंग्स. इज इट लाइक रादर देन बीइंग समवन टू द वर्ल्ड बी द वर्ल्ड टू समवन? प्रिटी मच. हाँ कि एक बंदे का हमने सेलेक्ट किया कि भाई अगर लेट्स से शहजाद है, शहजाद को क्या पसंद है, शहजाद को क्या खुश करता है, पूरा जो टाउन है ना बेसिकली हैज कंडीशन दैट एक्सपीरियंस अराउंड शहजाद टू मेक हिम फील बेटर एज अपोज टू आर probably generic stuff, right? We aren't thinking of a particular person in mind that we want to entertain. We are thinking of an average taste based on our experience, what we've learned, what we've performed over the years. तो मुझे ये बात भी समझ में आई. आई एम नॉट सेइंग कि मैं अपना जो ओरिजिनल पर्सपेक्टिव है मैंने इस बात से डिस्कार्ड कर दिया, बट दिस ऑल्सो मेड सेंस टू मी. आई डोंट think I agree because what, so then is he suggesting that everybody like what? I don't get it. He's not suggesting anything. He's saying this is another way to think about it. ठीक है. But I mean you can't live like that, right? You can't. It's not practical to live like that. Yeah. The argument was ke bhai if the intention is to genuinely make a difference in somebody's life, then you actually go the whole way. But then, dekho na, for instance, terminal illness hai. You can't do shit. You can't. But then, agar tum 5-10 minute ke liye zindagi behtar kar sakte ho, that's good enough, right? There's probably somebody out here in a lab who's working on a cure for coronavirus right now, right? That person is a lot more heroic than us. That person is a lot more important. Maybe in the general scheme of things than us. But अगर हम ये सोचते हैं कि यार हमने दीवार से सर मारा है स्टैंड अप कॉमेडी पाकिस्तान में करके, जहाँ ये जॉनर ही नहीं एग्जिस्ट करता, जहाँ लोगों को समझ भी नहीं आती, जहाँ क्रिटिसिज्म भी मिलता है, जहाँ गालियाँ भी मिलती हैं, जहाँ ओके नॉट हंगर बट स्टिल ग्रेट डील ऑफ पर्सनल सेक्रीफाइस के यार नस से तुमने पढ़ा है, मैंने लम से पढ़ा है, पुटिंग दैट डिग्री असाइड, द अमाउंट ऑफ मनी दैट हैज बीन स्पेंट, दैट गिल्ट लिव्स विद यू,
combating these opinions, dealing with the negativity, dealing with the trolling, dealing with all of that, still continuing to do shows, going under the stress. And then you turn around and be like, yaar, hum wohi shows kar rahe hain jo hum 10 saal pehle kar rahe the. Was it all for nothing? Then you find places of comfort. And those places of comfort are all the other comics, all the other people who are doing it, all these people who come to our shows, with the impact you've had in their lives. Even in terms of the experience, hamari bhi philosophy thodi evolve hui hai. But we also disagree thoda on this in terms of joking about any subject. I think as a category, to we agree, you can joke about it as long as the target is fine. You make fun of the oppressor, not the oppressed. Yeah. But you're a little more freedom of speech than I am. Like this, an ideology, but yeah, with the while conforming with or accepting the reality of the environment we are in. But hamari thodi ab mujhe blank out ho raha hu, mujhe koi specific jokes nahi yaad aa rahe. But kabhi kabhi hamari thodi debates hoti hai, I'm like, nahi yaar, ye is off limits, and you're like, nahi, ye to sahi keh raha. Well, that's natural, right? Even if we were musicians, you'd be like, yaar, main ye scale mujhe samajh nahi aata. I'm like, nahi, mujhe to bada acha lagta hai. So, but just to expand in terms of not joking about anything, being joking about everything, right? Like, for instance, agar main Aurat March pe koi video karun, and I've done a video on Aurat March, I'm making fun of the people making fun of the posters. I'm not going to make fun of the posters. But for instance, if it's a silly joke, right? Why is Aurat March happening in Feb, even though it's happening in March? But like a joke like that, yeah, which some people might still have an issue with, but I would be fine with them. Like, it's silly. Ah, agreed. Yeah. 100%. Silliness is. Wahi na, yaar, context matters, yeah. I think. Aap har cheezo ko as a microcosm nahi examine kar sakte and be like, apni judgment pass karte hain. And, but ye bhi khair debate hum kar hi rahe the. Ek layman ko aur ek maybe practicing comedian ko nuance ka shayad behtar andaaz hai. But wo jab pylon hota hai, that also changes, right? Like, okay, chalein, Aurat March is a thing. But because they get so much backlash, I don't also want to make fun, jo maybe even a silly joke, I don't want to do. I'm like, yaar, already. Ah, 100%. Like, for instance, Jibran Nasir. Yeah. Jibran Nasir sometimes does things where I'm like, yaar, I don't agree with that. This is stupid. But I'm not going to mock Jibran Nasir for my personal politics, because I'll be like, yaar bhai, ek to aadmi hai. Already isko jo internet iske saath kar raha hai, main bhi agar pylon kar dun. Nahin, isse main agree karta hun, 100%. Aur wohi baat hai, historically oppressed groups jo hain, kyun karo? Even though, if let's say I have a joke, which jokes about Aurat March on the surface, but if it is actually targeting patriarchy, I might not do it, because I will feel that most people will not get it, that actually baat kis bare mein ho rahi hai, aur is wajah se it will enable the maybe incel community ki haan, ye dekho, ye ek banda jo hai jiski thodi following hai, ye bhi keh raha hai Aurat March ke khilaf jao, to nahi karunga, because I'll be like, haan, this is lost upon the general audience. Jis tarah maine, I did the Mard March, which was quite clearly mocking the actual Mard March. Jis tarah wo tha, FHM ka page tha jinhone wo Mard March ke banners nikale the. Sahi. And then I made banners mocking them. And then some people started posting them ki ye actual hai. Yeah. Matlab, even though in my head they were so ridiculous, yeah, like literally was like, fundamental rights de de mardon ko, kaun isko seriously samjhega? Bilkul. But then sometimes those pictures were used by people ki ye dekhe hain, ladke ye kar rahe hain. And then somebody messaged me, they're like, don't you feel responsible? I'm like, itni stupidity ka tumhe nahi responsible ho sakta yaar. In my head I did the most extreme satire. Yeah. But koi nahi manega. But this gives you perspective, right? Because you, prior to this, you didn't think ke isko bhi possible hai misconstrue karna. But now that you've done it, you will probably be more careful in the future. Yes. Isko itne obvious tarike se karun ke isse kisi ki bhi dil azari na ho sake. 100%. Recently jab ye gas leak hua tha Karachi mein, तो मैंने डाल दिया भाई, कि जो क्रिकेटिंग गार्ड होता है ना, मैंने ये डाल दी, क्योंकि हम जब क्रिकेट खेलते थे, मुझे व्हाट्सएप आया था एज अ सीरियस, या
मुझे जब हम बॉयज क्रिकेट खेलते थे ये होता था, ये लो भाई ऑक्सीजन मास्क पहन लो, मुझे बहुत फनी लगती थी बात. आई डिड नॉट इमेजिन कि ये पॉसिबल है कि कोई सोचे कि मैं एक्चुअली कोई सीरियस बात कर रहा हूँ. एंड दैट इज रिफ्लेक्टेड बाय द परसेंटेज ऑफ पीपल कि लेट्स से 95% पीपल गॉट इट कि जोक है, 5% ने सोचा कि यार ये तो कुछ सीरियस है या फिर ये मजाक उड़ा रहा है एक सीरियस चीज़ का. आई थिंक आई गॉट दैट एज अ व्हाट्सएप मैसेज विदाउट योर नेम कि ये देखो कोई कोई इतना चूतिया जिसको ये मास्क लगता है. सो स्टिल द जोक इज़ ऑन यू, गेट इट. लाइक वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें नहीं आती बिकॉज पीपल आर लाइक ओ अकबर चौधरी इतना स्टूपिड, पीपल डोंट नो यू कि ये इतना स्टूपिड है इसको ये लगता है. बट जब लोग जाके कहते हैं कि हाँ मैंने डॉन में पढ़ा है कि मलाला को एक्चुअली स्विट्जरलैंड की एक लैब में टेस्ट ट्यूब में बनाया था पाकिस्तान पे, जो एक नदीम फारूक पराचा का सैटायर था, ऑब्वियसली आई एम विद नदीम ऑन दिस के कितना कुछ होती आदमी है जिसको ये इस लेवल का सैटायर सच लगा कि स्वीडन की एक लैब में मैंने डॉन में पढ़ा था मलाला को बनाया है. बट जस्ट एज अ कॉन्टेक्स्ट समथिंग लाइक दिस जो मिसकंस्ट्रू इतना हो सकता है दैट हैज़ अ लिटिल मोर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो पोस्टर्स में भी नॉट सो मच, बट जो मैंने लाइव इवेंट किया था कि मर्द माच है संडे को तुम आ जाओ और लोग पहुंच गए थे और समर टीवी पहुंच गई थी कि मर्द माच होने वाला है. Maybe I could have done a few things better. उसपे थोड़ा पाइलॉन भी हो गया था. But you learn, right? You do it, you learn. इससे मुझे एक example याद आ रहा है. कुछ time पहले मैंने लिख दिया कि जी I've started dealing in psychedelics. I call my brand मशरूम मशरक. ठीक है, तो मैसेजेस आ गए, अच्छा ब्रो मशरूम्स हैं तुम्हारे, मशरूम्स हैं. मैं कहा I did not think कि ये joke किसी को समझ नहीं आएगा. Like इतना हमारे सोसाइटी क्या मतलब हमारे वोकैबुलरी में मशरूब मशरक कितना रैम्पेंट है. आई थॉट हर किसी को समझ में आ जाएगा, बट नहीं आया. एंड देन यू लर्न यू नो कि हाँ अच्छा कोई सेंसिटिव बात है. ये तो सिली बात थी, सेंसिटिव बात को इतने ऑब्वियस तरीके से आपने करना है कि किसी को हर्ट ना हो एंड स्टिल ऐसा नहीं होगा. जी जो तुम्हारे में बैठ के बात कर रहे हैं इस तरह आप नहीं ऑनलाइन बात कर सकते, राइट? सो लाइक फॉर इंस्टेंस इवन द मर्द मार्च थिंग हैपेंड, शुमाइला स्पोक टू मी, निदा स्पोक टू मी, किरमानी आयमा स्पोक टू मी, द पीपल आर रियली रिस्पेक्ट एंड आई वाज लाइक ओके आई गेट कि ये मसले थे और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें एक्नॉलेज भी कर लिया. उसके बाद जो मर्द मार्च का ओरिजिनल अकाउंट था, जान बूझ कर जो लोग ऑलरेडी मुझसे नफरत करते हैं कि ये देखें शहजाद ने ये बातें की हैं, जस्ट कम्प्लीट लाइज, knowing lies, but just because उस वक्त pylon हो रहा था, they're like this is a good opportunity. So फिर जब इस तरह के भी लोग होते हैं ना, you're like यार, like there are some people who are like, see we told you no man can be a feminist, this person who talks about this, देखा आपने वो Harvey Dent करने की नहीं होता कि let's for some reasons मेरी एक बहुत perception है कि मैं वो comedian और जो भी, so like look at this Harvey Dent person, हम इसको भी जब दिखाएंगे ना कि ये भी टू फेस है तो फिर तो गौतम तबाह हो जाएगा. सो लॉट ऑफ दोज इनसेल्स जंप्ड ऑन एंड आई वाज लाइक भाई यार खुदा के वास्ते. बच्चे यार ये जो एक रियलाइजेशन है आई फील लाइक मैंने काफ़ी टाइम पहले समझ ली थी, इसलिए मुझे इतनी बॉदर नहीं करती. हर किसी को तो आप नहीं कर सकते ना खुश, ऑब्वियसली नॉट. ये किस वजह से की थी मैंने, हाँ स्टीव जॉब्स या पता नहीं किसी इस टाइप के हैवी आदमी का कोट था कि इफ यू वांट टू मेक एवरीबॉडी हैप्पी यू शुड सेल आइसक्रीम्स नॉट व्हाट यू डू. उसमें भी मसले हो जाएंगे. मतलब ये कि कोट है, एसेंस तो उससे समझ में आ रहा है ना. तो इट्स फाइन यार, इट्स फाइन. यू कांट पॉसिबली एंटरटेन 100% पीपल इन द सेम वे हैंड सैनिटाइजर डजंट किल 99% मतलब 100% ऑफ इज जर्म्स. इट्स द सेम एंड दैट्स फाइन, दैट्स अ नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनी थिंग, एनी प्रोफेशन, एनी वोकेशन, एनी बडी चूजेस टू अंडरटेक. कोई हैप्पी बात है आपके पास? यार हाँ कॉमेडी में बच्चियाँ बहुत होती हैं यार. कुछ गर्ल्स एट ढाबा जोक भी था ना तुम्हारा जिसपे काफ़ी लोगों ने बोला था कि गर्ल्स एट ढाबा पे तो मैंने काफ़ी कॉमेडी की यार. एक जोक है जो मुझे बहुत पसंद है, पता नहीं मैंने कुछ इस तरह की बात की थी. When I first heard about girls at dhabas, I thought it was an incomplete email address. But I think that's not shitting on girls at dhabas. That was just a silly joke. But you know, like people had jokes like just around online incel community were like, yeah, we want girls at dhabas.
ये तो अजीब सी बात है, पता नहीं क्यों ठरकी हो जाते हैं हम लोग बॉयज़। फौरन पहला फर्स्ट इंस्टिंक्ट हमारा यही होता है ना। नहीं गोरे भी ऐसे ही हैं यार, दे जस्ट पता नहीं क्या सीन है, आई डोंट नो, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। हमारा एक्सेप्टेड ज्यादा है ना, लाइक द एंटी औरत मार्च ओपिनियन इज द पॉपुलर ओपिनियन, नॉट टू से के अगर वुमेन्स मार्च हो रही है अमेरिका में तो उसके एंटी नहीं होंगे, होंगे, बट दैट्स नॉट अ पॉपुलर ओपिनियन। आर पॉपुलर ओपिनियन इसके तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल की हद तक हम चले जाते हैं, एज द केस चल रहा है ना पूरा। हाँ वो आई थिंक लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने निकाल दिया पूरा, पास है, वेरी गुड, गुड जॉब। आप डू यू फील लाइक यूव ग्रोन और डू यू फील लाइक द कैंसल एंड वो कल्चर हैज़ चेंज योर थॉट? डू यू थिंक डू नाउ बिफोर पुटिंग अ स्टेटस? नहीं, नॉट नॉट इन अ वे दैट वुड बी अननेचुरल, इन दैट ये हर पॉसिबल तरीके से उसको स्क्रूटिनाइज कर लिया बिफोर पुटिंग इट अप, ऐसा नहीं है। बट आई डू थिंक के कैंसल कल्चर वो कल्चर से बेहतरी आई है। एंड कैसे आई है इसका मैं आपको एग्जांपल दूं कि 2012, 13, 14 में हम सब ने ऐसे जोक्स किए हैं जिसमें हमने सोचा भी नहीं था कि इस बात का ये भी मकसद हो सकता है या इसको इस तरह इंटरप्रेट किया जा सकता है। तो बिकॉज ऑफ दीज डिसेंटिंग ओपिनियंस हम लोग की खुद एक लर्निंग हुई है, एक इसलाह हुई है और एक एवोल्यूशन भी हुई है। तो आई डू थिंक कि एक इसका मकसद जो है बड़ा सक्सेसफुल रहा है, जो लोग सुनना चाहते हैं कि हाँ भाई ये भी एक ओपिनियन है, इससे ये हर्ट हुआ है, मैं हर्ट हुआ हूँ, इसलिए हुआ हूँ, इससे दूसरा बंदा इस तरह ऑफेंड हो सकता है। तो आई डेफिनेटली फील वेरी गुड अबाउट दैट कि मेरी एवोल्यूशन हुई है। एंड ये जो मैकेनिक्स हैं ऑफ कॉमेडी के सब्जेक्ट टारगेट ऑल ऑफ दोज थिंग्स, एंड दैट्स नेचुरल राइट विद एनी आर्ट फॉर्म कि आप इवॉल्व करते हैं। द क्वेश्चन इज दैट एज अ रिजल्ट ऑफ योर ग्रोथ या ऑफ द वोक कल्चर और कैंसिल कल्चर फॉर इंस्टेंस? बोथ यार, बोथ, बिकॉज आई गिव यू वेरी स्पेसिफिक एग्जाम्पल। 2013 में आई थिंक आई यूज टू डू दिस जोक कि जी आई वुड लव टू बी अ लेडीज टेलर, ठीक है, ओनली बिकॉज मेरा परस्पेक्टिव इस पर यह था कि भाई दिस इज क्लियरली अ वेरी प्लेजेंट जॉब एज कम्पेयर टू लेट्स से कि आप मेरी जो पहले जॉब थी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, गर्मियों में ख्वार हो रहे हैं, ये सब पसीने वट एवर। इन नो वे डिड आई थिंक कि इसको इंटरप्रेट किया जा सकता है एज हरेसमेंट, ठीक है। उस वक्त मेरे पास ये कॉन्टेक्स्ट नहीं था कि एक्चुअली दर्जी ऐसे भी होते हैं जो गंद करते हैं, ठीक है। अब मुझे इस पर बैकलैश आया, मैंने थोड़ा पहले तो ऑब्वियसली यू गो ऑन द डिफेंसिव राइट, मेरा ये मतलब नहीं था, बट देन आई थॉट अबाउट लाइक हाँ बिल्कुल आपकी बात सही है, इसको तो एज हरेसमेंट भी आप कंस्ट्रू कर सकते हैं। तो इससे डेफिनेटली आई लर्न समथिंग, एंड द नेक्स्ट टाइम आई एम राइटिंग अ जोक आई एम कॉन्शियस ऑफ इट, आई हैव इट इन माई बैग ऑफ टूल्स कि हाँ भाई ऐसी कोई बात नहीं करनी जिसको इस तरह भी कंस्ट्रू किया जा सकता है। बट स्टिल यार यू विल राइट समथिंग, उसके हज़ार मतलब हो सकते हैं, 99 बेसिस यू हैव कवर्ड, एक हो सकती है। हाँ मैंने अभी जब वो शाजिया वाला सीन किया था तो किसी ने बहुत ही BDSM लाइक आई मीन टू मी इट वाज हिलेरियस, द पर्सन वाज लाइक मैंने BDSM करना है, मैं आई वाज प्रिटेंडिंग टू बी अ वुमन, इतनी हम वोक बातें करते हैं पर हरकतें हम ऐसी करते हैं। तो आई वाज लाइक अच्छा मैं अगर तुम्हें विप करूँगी तुम्हारी क्या आवाज़ें निकलेंगी, और उसकी ना पूरी उसने टाइप की ऊहू आ, I thought it was hilarious, right? And then somebody wrote to me, you know, this is king shaming. Uska ek king tha. I was like, haan, I get that perspective as well. Exactly. And you probably never thought of it. Haan, nahin, maine kaha. So, I mean, to me, it was hilarious ki ye banda. Similarly, mujhe isse yaad aa raha hai ki thode din pehle, tumhe yaad hai, Mavra ya Arwa Hussain ne bola tha ki depression mental health kuch nahi hota. A lot. Ye bhi. It's just food. हाँ डिप्रेशन हैज़ अ लॉट टू डू विद व्हाट यू पुट इन योर बॉडी राइट। तो मैंने उसमें कहा था ऑब्वियसली इफ यू हैव टू पुट फरहान सईद इन योर बॉडी यू विल बी डिप्रेस्ड, ठीक है। तो मुझे ये बात बड़ी फनी लगी, इसमें क्लियरली मैं किसी मेंटल हेल्थ का मजाक नहीं उड़ा, मैं सिर्फ फरहान सईद का मजाक उड़ा रहा हूँ राइट। तो इस पर किसी ने लिख दिया कि जी ये जो है हम पुलिसिंग वुमेन्स बॉडीज और ये और वो और आप बुली कर रहे हैं, एंड दैट इज़ टू मी अ वैलिड परस्पेक्टिव एज वेल नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट, बट उस वक्त मैंने नहीं सोचा था। लेकिन मेरा ओपिनियन ये था भाई कि दो लोग जो पब्लिकली इतनी स्टूपिड हरकतें करते हैं, हु आर पब्लिक फिगर्स, अगर आप उनके बारे में मजाक नहीं उड़ा रहे हो बट उनकी हरकतों पर का मजाक उड़ा रहे हो, दैट्स फाइन। आई फील आई स्टिल थिंक दिस जोक इज फाइन, आई डोंट थिंक यू आर पुलिसिंग वुमेन्स बॉडीज विद दिस, because get it, there's also a element of ridiculousness to it, it's you're not like online agar log jaate hain aur bolte hain
हाँ स्लीवलेस पहनती है तो ये होगा टा 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 या योर पुलिसिंग, फिर दुपट्टा भूल कर आ गई, योर पुलिसिंग वुमेन्स बॉडीज, ऑल ऑफ दैट. या दिस जोक रियली डजंट डू दैट. अब लॉट टाइम्स पता है जो लोग नए नए वोक हुए होते हैं ना, उनको ये भी नहीं पता होता कि मैंने बैटल कौन सी लड़नी है. फिर वो बस बज वर्ड्स पे जाते हैं, औरत बॉडी टा 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 टा. लाइक फॉर इंस्टेंस इवन विद डर्टी शोज, अ लॉट ऑफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड के वी डू सेक्स पॉजिटिव शोज, वी आर नॉट. एंड लॉट टाइम्स व्हेन पीपल कम देयर लाइक ओ शिट वी डिडंट रियलाइज वी डोंट डू शो वी डोंट. अगर आप टी वी पर जाते हो और औरतों का मजाक उड़ाया जा रहा है या हरासमेंट को ईजी लिया जा रहा है और जोक्स ऐसे हो रहे हैं कि हाँ मैं लड़की देखी वट एवर दैट शिट, वी आर नॉट डूइंग दैट. वी आर इन फैक्ट मेकिंग फन ऑफ द हरासर, वी आर इन फैक्ट मेकिंग फन ऑफ द असॉल्टर, वी आर इन फैक्ट सेइंग इट्स फाइन, सेक्स इज अ नॉर्मल थिंग विच वी कैन प्रॉब्ली डू दैट एज कॉमेडी. और लोग खुल के इन चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं जो सब कर रहे हैं. But a lot of people don't get that perspective. They just think, yeah, hum kuch bura kar rahe hain. Exactly. So as long as you at your core know what you're doing and belief hai, agar log misconstrue bhi karte hain, it's fine. Exactly. Fuck them. And it just gets back to the previous discussion. It's about context, right? Ke Shahzad, agar iski known history hai, ke is tarah ki ghatiya mazaak karta hai, to then you can be like, yeah, haan, he probably intended this to be hurtful in some way. But whereas if you know, ke yaar, he has absolutely no history of it, this obviously, when I think about it, mujhe ye feeling aa rahi hai, but this is my perspective. 10 aur perspective ho sakte hain, in which ye baat hurtful ya harmful nahi hai. For example, main tumhe sabse recent aur confounding example dun. हम जब इम्प्रोव करते हैं शॉर्ट फॉर्म तो उसमें वर्ल्ड्स वर्स्ट खेलते हैं, राइट? तो वी गॉट दिस सजेशन कि वर्ल्ड्स वर्स्ट ग्रेव डिगर या थिंग टू से एट अ फ्यूनरल को इस तरह की कोई चीज़, तो उसमें कुमैल या जुबैर ज़मीन पर जाके लेट गया और हमने कुछ इस तरह की बात कर दी कि जी बिरयानी कब आएगी, यू नो वो जेनेरिक मजाक जो है. नेवर इन माई माइंड डिड आई इमेजिन कि इससे कोई ऑफेंड हो सकता है. बट पर किसी ने कहा मुझे कि यार ये जो सिचुएशन थी ये मुझे अच्छी नहीं लगी, ये बड़ी ऑफेंसिव लगी मुझे. ठीक है, एंड इट्स फाइन यार. ठीक है, पर्सपेक्टिव है आपका, बिल्कुल दुरुस्त है. मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं था, बट ऐसे भी लोग सोचते हैं. दैट इज अ लर्निंग फॉर मी एंड दैट्स फाइन, बट यू आर प्रोबब्ली नॉट गोना स्टॉप डूइंग दैट जोक यार. इफ आई एम बिकॉज़ यू डोंट बिलीव इट, इफ आई एम फुली कन्विंस्ड अबाउट द मेरिट्स ऑफ देयर आर्ग्यूमेंट, आई विल नॉट स्टॉप डूइंग इट. सो दिस आई डोंट बिलीव इन द सैनिटाइजेशन एज वेल. यू कांट, इट हैज टू बी ऑफेंसिव टू समबडी. हमने ब्रॉडली ये बातें कर ली थी, बिकॉज अब तो वैसे कोई नहीं सुन रहा, जो सुन रहा है बहुत बड़ा कॉमेडी नर्ड है तो वो समझ भी ले. जब हम टारगेट की बात करते हैं, हर जोक का एक टारगेट होता है. हु इज द टारगेट ऑफ दिस जोक, उसकी पॉलिटिक्स क्या है, दैट डिटर्मिन्स हु दिस जोक इज ऑफेंसिव टू. अगर आप गवर्नमेंट का मजाक, अगर आप मोदी का मजाक उड़ाते हैं, इट इज ऑफेंसिव टू अ बिलियन पीपल. बट शुड यू नॉट डू दैट जोक बिकॉज इट इज ऑफेंसिव टू बिलियन पीपल? नो, बिकॉज इस वक्त जो हो रहा है वो नीड्स बी कॉल्ड अटेंशन टू. और मैं हैव ऑलवेज बीन अ वेरी पॉलिटिकल कॉमेडियन एंड आई हैव ऑलवेज यू नो ट्राइड फाइटिंग द गुड फाइट, कि यार आप अटैक करें. और बहुत बैकलैश भी मिला है मुझे उस बात पर. सो आई एम नॉट कि कोई ऑफेंड ना हो, सही इंसान ऑफेंड हो, पंच अप करें. पंच अप का मतलब यही है यार, कि जो लोग पावर में हैं उनका मजाक उड़ाएं. द गवर्नमेंट इज़ फेयर गेम, लीडर्स आर फेयर गेम. पर अगर आप रोज़ रात टीवी पे जाते हैं और ट्रांस कैरेक्टर बन के बैठे होते हैं और उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, यार कल उनको गोली लगी है, मतलब रोज़ उनको मार देते हैं, व्हाट आर यू, यू आर पंचिंग द लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर. यू आर मेकिंग बिलावल भुट्टो फॉर बीइंग फेमिनिन, यू आर पंचिंग एट द वीकेस्ट पीपल हु हैव इन टर्म्स ऑफ द पावर गिवन टू देम, नॉट इन टर्म्स ऑफ हु दे आर, कि उनकी सोसाइटी में कोई पावर नहीं है. एग्जैक्टली. वो क्या कर लोगे उनका मजाक उड़ा के यार, कि अगर हम शोज कर रहे हैं और हम आए गरीब लोग होते हैं, भूखे मर रहे होते हैं. तो वही ना तुम्हारी बात है, इस तरह की जो है चीज़ें प्रोजेक्शन ही है ना, राइट? हाँ. ये दिस इज अनफाउंडेड. एंड मैं जस्ट टू सर्कल बैक टू द करोना वायरस जोक फॉर एग्जाम्पल, मेरे इस स्टेटस पे लोग ऑफेंड हो रहे हैं. इस बात पे मुझे, दिस इज़ माई थॉट प्रोसेस, इस पे आप क्यों नहीं ऑफेंड हो रहे कि मास्क की प्राइसेस 1000-fold इंक्रीज कर दी गई हैं? ये दैट इज़ अ लॉट मोर टेंजिबली हार्मफुल. आई एम गोना आउटवॉक यू हियर. हाँ, आप इस बात पे ऑफेंड हो रहे हैं कि मास्क 1000 रुपए के हो गए हैं, लेकिन हर रोज़
लाइफ सेविंग मेडिसिन की प्राइसेस बढ़ती हैं और अनअफोर्डेबल होती हैं फॉर द मार्केट. अरे यार ये तो बट नोबडी गिव्स अ फक राइट, नोबडी गिव्स अ फक राइट. ये तो मैं आपको एक इमीडिएट इस इवेंट के अराउंड एग्जांपल दे रहा हूं. बट ये भी जो आईडिया है ना कि शोज वी आर मॉरली एथिकली बैंकरप्ट, नो नो, दैट शिप सेल्ड अ व्हाइल बैक. मॉरल एथिक्स नहीं है. कैपिटलिस्ट सोसाइटी में आप रहते हैं, मास्क की शॉर्टेज होगी, मास्क के पास बढ़ेगी. इसमें कोई एथिक्स मॉरल नहीं है. अगर डायबिटीज़ की दवाई है वो अगर गरीब नहीं ले सकता तो नहीं ले सकता. टू द सिंपल ऑफ व्हाट यू आर सेइंग कि ये इतना ज़्यादा होता है कि वी हैव जस्ट एक्सेप्टेड दिस एज रियलिटी. दिस वाजंट शॉकिंग टू मी, दिस डजंट शो शिट टू मी, दिस इज द केस. लाइक ड्रिंकिंग वाटर राइट, लाइक फॉर इंस्टेंस आपका जो सूवेज का पानी है, वी अगर तुम्हें मुझे डायरिया हो गया, वी डोंट थिंक ऑफ एज अ डेथ सेंटेंस. लेकिन जो सूवेज का पानी आपका लोग पीते हैं, डायरिया इज अ डेथ सेंटेंस फॉर देम. एंड देयर लिटरली ड्रिंकिंग शिट वाटर. टाइफॉइड का हमारा वन ऑफ द हाईएस्ट मोर्टेलिटी रेट्स है. तो जनरली तो किसी को कोई नहीं फर्क पड़ता कि जी एथिकली मॉरली बैंकरप्ट हैं, कि आप पीने का पानी नहीं ले सकते. कि आप दुनिया के दो मुल्क हैं जहाँ पोलियो अब तक एग्जिस्ट करता है. तब तो हमारी एथिकल मॉरल थिंग्स दैट हैपन. आई एम सॉरी टू कट यू, दिस रिमाइंड्स मी ऑफ एन एग्जांपल. हमारे शो पे पोलियो अवेयरनेस की हमने सॉर्ट ऑफ कैंपेन रन की, ठीक है, एंड उसमें एक्चुअली फीमेल पोलियो हेल्थ वर्कर्स आई. एंड मतलब आई एब्सोल्युटली सलूट देम, आई एडमायर देम, दे आर डूइंग ग्रेट वर्क. ठीक है, ब्रेक के दौरान वन ऑफ द स्टाफ मेंबर्स टेक्स इशू विद देम कि जी आप जब आती हैं हमारे घर पे घंटी बजाने, आप ये चौक से मार्क क्यों कर देती हैं दीवार पे. लाइक दिस एब्सोल्युटली ब्लोज माय माइंड कि आपके घर पे आके आपको लाइफ सेविंग ड्रग दे रहा है आपके बच्चों को, और आपकी इस बात पे हट रही है कि चौक से ना उन्होंने कुछ निशान लगा दिए. आई एम ऑल फॉर फ्रीडम, यू नो मी, आई एम ऑल फॉर इंडिविजुअल लिबर्टीज. बट पोलियो जैसी चीज़ जो आप ही नहीं, आप दूसरों को दोगे. सो दैट वीडियो विद अ वुमन वाज लाइक, हमें नहीं चाहिए ना, हमारी मर्जी है. आपका बच्चा जब स्कूल जाएगा वो औरों को देगा. इनफैक्ट आई इवन डिडंट अंडरस्टैंड पोलियो दैट मच. मुझे रिसेंटली किसी ने समझाया, वेयर आई डोंट नो इफ इट्स स्टिल हैपनिंग, मैं बहुत टाइम से पैसे नहीं मिले इंटरनेशनल जाने का. बट लास्ट आई वेंट वो पोलियो लिटरली उस टाइम कुछ ज़्यादा कंसर्न था, तो दे वर रियली मेकिंग एयरपोर्ट पे सम कंट्रीज नीड कि एक कार्ड चाहिए होता है, साइन चाहिए होता है. आई एम लाइक यार, आई डोंट रिमेंबर वट एवर आई वाज इन माय लेट ट्वेंटीज, मुझे अब पोलियो नहीं हो सकता. लाइक सर अब क्या करें, रिक्वायरमेंट है ये वो. ऑब्वियसली आई डिड इट, लाइक फक इट यार. पर आई वाज लाइक यार मुझे नहीं पोलियो हो सकता. एंड देन व्हेन आई रिसर्च्ड आई फाउंड के यस आई कैन नॉट हैव पोलियो, बट यू कैन स्टिल बी अ कैरियर फॉर द यस आई कैन स्टिल बी अ कैरियर फॉर द पोलियो. ओनली 1 in 20 carriers actually have polio. So even though और आपकी जो बचपन में आप कतरे लेते हैं वो उसी टाइम पीरियड के होते हैं, they're not a forever solution. Yeah. So you could still be a carrier, like I could be a carrier and I could give it to a child in another country. So only children can get it and it can manifest, but I could be a latent carrier. बिल्कुल. तो हम ये नहीं सोचते कि यार पूरी दुनिया में मुल्कों ने रियलाइज़ किया कि मेरे कैरी करने से कोई और बच्चा मर सकता है, तो मैं ना करूं. बट हमारे एक मुल्क है कि नहीं जी, पैम्पर देते हैं अगर आपके पास इतने पैसे हैं, हमें नहीं चाहिए मुफ्त का. यू आर लिटरली पुटिंग अदर किड्स टू रिस्क. अजीब बातें होती हैं इस पे, पोलियो स्पेसिफिकली. तो आई हैव अ लॉट ऑफ एंगर नाउ दैट आई हैव बीन एजुकेटेड बेटर ऑन इट. हराम इंग्रेडिएंट्स हैं, इससे नस्ल तशी की जा रही है. यार 1990 से अभी पॉपुलेशन देखो, 84 में हमारा कैंपेन शुरू हुआ था, नहीं कोई पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हुआ है, इट्स एक्सपोनेंशियली इंक्रीज्ड. कौन से ये पता नहीं मुल्क हैं जो पाकिस्तान में पता नहीं ये इनफर्टिलिटी करना चाह रहे हैं, ये कैसे कॉन्सेप्ट्स हैं यार. व्हाई आर वी सो मतलब हैव आवर हेड्स अप आवर एसेस कि हमें ये लगता है. डेमोक्रेटिक कैंडिडेट्स आ रहे हैं, इम्पीचमेंट ट्रायल चल रहा है, उसकी अपनी इलेक्शन कैंपेन है. डोनाल्ड ट्रंप लेकिन सोचता है यार ये बैंड चोर पाकिस्तानी जो हैं, इनके पेप्सी में जो है ना वो डालो. हमजा से ऑल्सो डज अ जोक लाइक दिस, ब्राउन रैंड का है जो है क्या, ये इसी तरह का कोई जोक है. आई डोंट वांट टू डू इट एग्जैक्टली, बट इसी तरह का है कि यू नो लाइक विद एवरीथिंग इज हैपनिंग दे हैव नथिंग एल्स, छोड़ो बचाओ पाकिस्तान, इनके ना
اتنے بڑے بڑے مسائل ہیں اور آپ کو اس چیز سے مسئلہ ہو رہا ہے. I'm quite okay with people. If I'm gonna make a pro عورت مارچ video, people get offended. I'm quite fine with it. I made an anti-Taliban video, people got offended. Because ہم ایک تو ہماری ہسٹری بھی بہت چھوٹی ہے نا, ہم بھول جاتے ہیں, ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم ایک ایسے جنریشن میں بڑے ہوئے تھے where there was pro Taliban sentiment. ٹھیک ہے, remember growing up ہمیں تو اس طرح بات کرتے ہیں, bro do you even know what the word means, it comes from Talib. Talib means students, these are just students, they're students, okay, they're not terrorists, they're students. Taliban مطلب یہ اوپینین ہمارے ہوتے تھے, تو میں نے طالبان کا مذاق اڑایا لٹرلی, جو اب آپ دیکھتے بولتے ہیں ہاں ٹیررس آرگنائزیشن ہے. آئی تھنک اے پی ایس ریئلی شفٹ پیپل سینٹیمنٹس. یار شہزاد اس دن جو ہم دیوسٹ پہ جو بندے نے بات کی تھی وہ دیٹ شوک می ٹو مائی کور یار, نارمل بات تھی یار, آئی ایم ناٹ گونا ریپیٹ اٹ بیکاز تھوڑی سینسیٹیو تھی, بٹ آئی سیڈ سم تھنگ اسی طرح آئی سیڈ سم تھنگ اباؤٹ دا احمدی کاز and then somebody took offense and then tried schooling me on the issue. I was like yaar yeah, you know, the guy's problem is with the semantics as opposed to the loss of life. Yeah hame nahi farak padta, insaan mar jaye bhale. Even like abhi jo Delhi mein ho raha hai, some people were celebrating, thank you jin, ek time hai, that makes absolutely no sense. Why are you thanking jina? You مطلب جسٹ بیکاز وی مسلمز آر الائیو, ٹھیک ہے, مطلب آبویسلی ہمارے فاؤنڈنگ فادر ہیں, ہی ہیڈ سم ویژن, وی آر دا بیٹر فار اٹ, دیٹس فائن, دس از ناٹ دا ٹائم ٹو سیلیبریٹ اٹ, بٹ مے بی یو آر بیٹر فار اٹ, رائٹ, مے بی دا ہندو لیونگ ان پاکستان از ناٹ دا بیٹر فار اٹ. ہاں ایگزیکٹلی, ملٹیپل لیئرز ٹو اٹ. جب ہم کرسچن بستیاں جلا رہے ہوتے ہیں, جب ہم لوگوں کی بات گاہیں توڑ رہے ہوتے ہیں, چلا رہے ہوتے ہیں, مار رہے ہوتے ہیں, اسٹیچوز توڑ رہے ہوتے ہیں بدھا کے, تب تو ہمیں کوئی مائنڈ رائٹس نہیں آ رہے, ہمارے لیے پوسیبل نہیں ہے پازیٹیو بات کرنا کوئی. ہم نے اس امید سے یہ ٹاپک چھیڑا تھا کہ کچھ اچھی بات ہو جائے, لیکن پھر سے وہی گندی ڈپریسنگ باتیں. مجھے ریکی جرویس کا اپروچ بیسٹ لگتی ہے, کچھ بھی کوئی اسے کہنا ہاں تم چوتی ہو بس, بٹ وہ آئی دیٹس آلسو ناٹ ہیلدی, رائٹ, ایز لانگ ایز آپ خود اپنی اویئرنیس, اپنے ایوالو, اپنی گروتھ پہ فوکس رکھیں اور آپ جن کے اوپینین رسپیکٹ کرتے ہیں ان کا سنیں. سو اگر مجھے شمائلہ آ کے کچھ کہے گی کہ یار یہ تم نے ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن از اے جونیئر مائن ایٹ لمز از اے لائر اینڈ ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن پہ کام کرتی ہیں, از اے ویری بریلینٹ پرسن, سو آئی ریسپیکٹ ہر اوپینین, سو اف شی از گوئنگ ٹو ٹیل می سم تھنگ آئی ول لسن ٹو اٹ. تو اس نے میسج پلس پتہ ہے یہ پبلکلی کوئی کسی کی اصلاح نہیں کرتا, پبلکلی آپ صرف اٹینشن ڈرا کرتے ہیں, پبلکلی آپ جو کر رہے ہیں آپ سوشل کلاؤڈ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, بٹ اس نے پرائیویٹلی میں میسج کیا, ہم نے بات کی, انڈرسٹوڈ اٹ, دیٹس فائن. اچھا یہ جو تم نے بات کی ہے, یہ ابھی کسی ایک, میں نام نہیں لوں گا جسٹ بیکاز اٹ ول ناٹ میک می مطلب ڈلیور مائی پوائنٹ, ایک آرٹسٹ نے کی کہ جب اس طرح کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے ہماری پرسنل ٹرمز ہیں, آپ نے مجھے میسج کر کے کیوں نہیں کہا, آپ نے ٹی وی پہ جا کے کیوں کہا, and obviously اس چیز کا کانٹیکسٹ ڈفرینٹ ہے تو یو کین انڈرسٹینڈ وائی اس نے ٹی وی پہ کہا, بٹ وائی, اگر آپ کو اتنا بڑا کسی سے ایشو ہے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے غلطی کر دی ہے, ایک نے گھٹیا بات کر دی ہے, کوشش تو کریں پہلے کہ سمجھنے کی, یہ پہلے تو یہی ہوتا تھا نا, ہم جا کے بات کرتے تھے ایک دوسرے سے. اٹ آل ڈیپینڈز واٹ یو ہیو ڈن, لائک آئی ایم ناٹ گونا میسج علی ظفر, آف کورس, کہ آپ مجھے اپنے دس از ناٹ اے ڈیلی اکرنس, رائٹ, فار اس, ہمارے لیے لائف ریئلٹی کیا ہے کہ ہم نے کوئی اسٹیٹس اپ ڈیٹ کیا, رائٹ, یا ہم نے کوئی جوک کیا. آئی ایم شیور بوتھ آف اس ہیو ڈن مٹیریل دیٹ دی ادر واز مے بی انکمفرٹیبل وتھ, بٹ اگر لیٹس سے تم آج گھر جاتے ہو اینڈ آئی ایم لائک اکبر چودھری ڈز جوک اباؤٹ گرلز ایٹ ڈھاباز, واٹ دی فک از رانگ وتھ دیم, یو ول بی لائک برو ایکسکیوز می, ایگزیکٹلی, تم نے مجھے فون کیوں نہیں کیا. اینڈ دس ایکچولی, او گاڈ, میں اپنا فریم عجیب کر دیا ہوگا, دس ریمائنڈز می آف واٹ یو ور آسکنگ ارلیئر, کہ گرلز ایٹ ڈھاباز کے ساتھ ایک مسئلہ ہوا تھا. سو جب وہ چائے والا کی تصویریں وائرل ہوئی تھیں, سو آئی پٹ اپ اے بنچ آف مطلب انوینڈوز آن ایز کیپشنز آن دوز پکچرز اینڈ پٹ اٹ اپ, پٹ دیم اپ ایز میمز, اینڈ مائی انڈرسٹینڈنگ ایٹ دیٹ ٹائم واز کہ بھائی یہ ایک پبلک امیج ہے, ٹھیک ہے,
अवेलेबल ऑन द इंटरनेट विद एक्सप्रेस परमिशन, मतलब नॉट के इसका आप कुछ भी डालें, लेकिन मीम्स जो है उसमें ऐसा तो नहीं होता ना कि आपने मतलब साइन वाइन परमिट कराना होता है। मीम तो कोई भी किसी भी चीज़ का बना देता है, उसमें कोई घटिया बात करूँ जिसमें कोई टारगेट हो रहा है वो अलग बात है, एंड उस पर मुझे पूरा स्कूलिंग लेसन आ गया, ये आप मैन को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं। मैं कहा अच्छा ये भी मसला होता है मैन को, बट आई एम क्वाइट फाइन विद मैन बीइंग ऑब्जेक्टिफाइड। हां यार, वी हैव डन दिस शिट फॉर सो लॉन्ग, इट इज टाइम द टेबल्स वर टर्न्ड। एनीवे, जो भी पॉइंट था मैं समझने के लिए तैयार हूँ, पर उस टाइम जिसने लिखा था आई वॉज ऑन पर्सनल टर्म्स विद हर, आप मुझसे खुद क्यों नहीं बात कर सकती, मुझसे बात करके समझा दिया, आई वुड टेक इट डाउन राइट। लेकिन अब आप पब्लिकली किसी को अटैक करते हैं वो ज़्यादा मतलब डबल डाउन करते हैं ना फिर। एंड ये भी एक इसका एस्पेक्ट है, आई एम ऑलवेज कन्फ्यूज अबाउट दीज थिंग्स, कि अक्सर मैंने सुना है कि वाई इज़ इट आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक द इमोशनल लेबर ऑफ एक्सप्लेनिंग टू यू कि आपने कहाँ गलती की, ये भी बात मुझे समझ में आती है। मुझे नहीं आती यार। अच्छा, मतलब आई गेट इट दैट यू डोंट हैव टू, बट इफ ओके if somebody says oh this bothered me and I'm like why did it bother you and they're like we don't want to take the emotional labor, I get it, want to get into it da, da, da. But if you're taking the time to write 6 tweets against me and you're running almost like a campaign against me, and agar dusra banda aapse puche acha yaar samjhao to masla kya, and then you respond with this, clearly you're putting a lot of emotional labor into this. That's also true. Clearly, अगर आप एक campaign run कर रहे हैं और हर कोई जो आपको कह रहा है या bro, good job, और आप कह रहे हो thank you so much, and they're like no, you should do this instead of him. Clearly आप एक तरफ तो बहुत ज़्यादा labor put in कर रहे हैं. So then for you it's not about Akbar. For you it's about you and Akbar. It's not about the issue that you're pretending. Yeah. एक और इसमें जो चीज़ मैं हमेशा कोशिश करता हूँ देखने की, इज़ इट योर इशू? ठीक है, अगर लेट्स से आप ट्रांसफोबिया की बात करें, कोई ट्रांस पर्सन कहता है आई गेट इट, यार इवन पब्लिकली कहता है आई गेट इट, जो वर्चू सिग्नलिंग होती है ना कि आप नहीं है, मतलब मेंटल हेल्थ की कोई मुझसे बात करें आई एम लाइक अच्छा आप तो नहीं है आप, I do jokes, I do a show called Clinically Funny, I talk about depression, and I talk about my catharsis, how comedy helps, how I gain some power, कि ये सामने मेरे demon है, इस demon से लड़ना है, by doing a joke, I sort of disarm the demon a little, and it helps me. Oh no, mental health is a serious issue. तो मेरी journey, or somebody who's suffering, who's trying to make his life better, तुम अपनी वर्चू सिग्नलिंग करके दिखा करके देखो मैं कितना वोक हूँ और मैं कितना अच्छा इंसान हूँ, लिटरली एक सफरर को और टॉर्चर कर रहे हो और उसको ख़राब कर रहे हो। सो देन इट्स कॉन्टेक्स्ट, यू सी एवरी इंडिविजुअल, बट इफ यू ऑल्सो गेट बॉग डाउन इनटू एवरी इंडिविजुअल वन, यू कांट डू एनीथिंग। हाँ डेफिनेटली, तो एट दिस पॉइंट आई हैव स्टॉप्ड रिस्पोंडिंग। पहले मुझे बड़ा मज़ा आता था कि कोई गाली लिख रहा है, कोई गंदी बात कर रहा है, विच आई नो फॉर अ फैक्ट कि ये स्टूपिड है, तो मैं लेता था उनकी, वरना इट्स लाइक इट्स जस्ट यू नो इट्स अ पार्ट ऑफ द जॉब। लाइक आप 9 to 5 जॉब पे जाएंगे तो आपके 4 कॉलीग्स होंगे जो आपके बारे में बातें बनाएंगे इवेंचुअली। किसी का तो तुमने पासपोर्ट भी निकलवा लिया था। हाँ वो तो काफ़ी उसने गालियाँ वालियाँ दी थी, तो मैं थोड़ा ज़्यादा जज्बाती हो गया था, मैं इसको नौकरी से निकलवाऊंगा, बट देन आई लाइक डजंट। फिर क्या उसने मैसेज किया था तुम्हें? तो ब्लॉक कर दिया सब, हर जगह था, फट गई उसकी। उसने कुछ मैसेज किया कि भाई यार मुझे माफ़ कर दें? नहीं, 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 कुछ भी नहीं किया। तो तुमने उसके पासपोर्ट के साथ क्या किया? कुछ भी नहीं किया। वही है ना, विच बैटल्स डू यू वांट टू फाइट, यू हैव टू चूज राइट। मुझे इस बंदे के साथ ठीक है हट गई मेरी, वो तो हमारा जो भी कह लें नी जर्क रिस्पॉन्स हो गया, एक मर्दानगी जो उजागर हो जाती है, मुझे इसने कैसे गाली दे दी वॉट एवर, वो तो हो गया ठीक है कर लिया, ये वही एक ऑनलाइन इक्विवेलेंट है लड़के बुला के लिया राइट। बट मैं अगर अपना एफर्ट इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ इनटू मेकिंग लाइफ मेजरेबल फॉर दिस गाय, मुझे इससे क्या मिल रहा है? क्या मिला? कुछ नहीं मिला। अहमद गोदल वाले सीन पे क्या आपकी राय है यार? उसके साथ जो शुरू में हुआ
वो सही नहीं था, लेकिन फिर उसने जो हरकतें की उसने ही जस्ट एडेड फ्लेम टू द फायर, सो आई मेड फ्यूल टू द फायर. आई मेड आई मीन सो आई पुट अप अ मीम कि यार व्हेन यू ऑर्डर इमरान खान फ्रॉम व्हाटएवर अली एक्सप्रेस दराज वर्ड के because he was, I thought he was trying to mimic Imran Khan and wohi philosophy you make one what they do not who they are. Main uski zaat ki baat nahi kar raha, main kuch bhi nahi kar raha, main keh raha hu Imran Khan ki tarah sound karta hai kya koshish kar raha hai Imran Khan ki tarah sound karne ki. Phir maine agle din dekha ki bechare ke sath kya hua, to I also felt bad ki yaar oh shit ye to sabne iske sath kiya hai. But then I also was like yeah bro hasad na kar, like yaar bhai. But dekho na, he wouldn't have put that up had he not been trolled in the first place. Do you agree with that? I get if, it, but... Dekho, it's completely natural for us to be watching the PSL opening ceremony and be like, yaar, ye host achha nahi hai. Theek hai, and you be like, haan, achha hai. Difference of opinion hai, that's fine. Phir online ja ke usko zaleel karna, phir uska number leak kar dena. Ye sab to unacceptable. Dekho, jo unacceptable, ye to... डिस्कशन ओपन ही नहीं है. नंबर लीक करना, गालियाँ देना, उसकी माँ बहन को कुछ करना, 100% क्लियर कट, ब्लैक एंड वाइट, टेरेबल 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 टेरेबल. बट लाइक इफ आई मीन इफ कामना अकमल ड्रॉप्स अ कैच, ऑफ कोर्स एवरीबडी विल मेक दैट जोक, ऑफ कोर्स. बिल्कुल. हाँ, अगर कामना अकमल फिर तस्वीर डाले कि हाँ मैं मैच खेल रहा हूँ, तुम लोग घर पर बैठे हो, चढ़ो मेरे पे. इट्स लाइक कि अगर सड़क पर कुत्ते भौंक रहे हैं 1000, आप बाहर जाके बोल के हाँ काट ना काट. So, right or wrong ke beyond, I thought it was stupid of him to post a picture. That was not well thought out. Look at how cool I am and you, all of you are jealous. But I wouldn't assign the 100% of the blame on him. No, 100% jo log bhi hain, wo bhi bilkul matlab pagal ho jate hain, khapti hain. Online trolling ki jo ek, ab jo ek, wo ban gaya yaar ek, matlab, bullying jaise jo ab abhi school mein baat kar rahe the, wo... ऑनलाइन 100 times ज़्यादा हो गई है और नहीं हम रियलाइज़ करते बिल्कुल भी कि इसका कितना इफेक्ट हो सकता है. उस तस्वीर पे ही गॉट ट्रोल्ड अ लॉट मोर देन हिज होस्टिंग एज़ वेल. हाँ, यू सी द कमेंट्स ऑन दैट, दोज वर लाइक ओ शिट. बिकॉज बट टेल मी समथिंग, मुझे इसकी हिस्ट्री नहीं पता अहमद गुदल की, ठीक है, मे बी ही इज़ बीन डूइंग इट फॉर अ वाइल, विच इज़ वाई अभी जो ट्रोल्स थे इतने विशेष थे, आई डोंट नो. बट टेल मी समथिंग, एक बंदे ने एक बुरी परफॉर्मेंस दी, उसके बाद उसने चौड़े में आया वो, विच वॉज अ स्टूपिड डिसीजन. बट स्टूपिडिटी की वजह से इतना किसी को जलील करना सही है क्या? इतना तो वो तो जो वो चीज़ें हैं ना, गालियाँ देना, नंबर लीक करना. इनफैक्ट हमारे तो आवाम इतनी जूतिया है कि जब उसकी वो रोते हुए वीडियो आई, आई ऑल्सो फेल्ट बैड. आई इवन फेल्ट बैड फॉर सेइंग इमरान खान को मिमिक कर रहा है. सही. उसका टॉप कमेंट जब उसने बोला कि यार मेरा नंबर लीक कर दिया, मेरा तो कोई ताल्लुक भी नहीं था, मुझे स्क्रिप्ट दी, मुझे पता भी नहीं था, मैं तो स्क्रिप्ट पढ़ रहा था, मेरा नंबर लीक करके लोगों ने ये किया. वन ऑफ द टॉप कमेंट वाज जिसने स्क्रिप्ट लिखी है उसका नंबर लीक कर दे तू. तो लाइक ट्रोल्स, एक जो द वर्स्ट पार्ट ऑफ द इंटरनेट है, यू वर्क ऑन मेकिंग इट बेटर बट यू ऑल्सो एक्नॉलेज इट एग्जिस्ट. राइट, के जी सड़क पर खड्डे हैं, आप बिल्कुल खड्डे ठीक करें, लेकिन जब आप गाड़ी चला रहे हैं आप भी देखें ना यार, खड्डे में नहीं डालो गाड़ी. इट्स बोथ वेज. नॉट टू से कि वी शुड नॉट बिल्ड अ काइंडर वर्ल्ड, वी शुड नॉट बिल्ड अ नाइसर वर्ल्ड. ऑल ऑफ दैट टेरेबल टेरेबल टेरेबल. उसकी जब पहली वीडियो आई रोते हुए, आई ऑल्सो फेल्ट रियली बैड फॉर हिम. इनफैक्ट आई ऑल्सो इन्वाइटेड हिम टू द पॉडकास्ट, तो इज मोर देन वेलकम टू कम टू शेयर हिज साइड एज वेल. एवरीथिंग हैपेंड, फिर जो उसने वो अली जफर वाला किया, दैट वॉज प्लेन स्टूपिड. अली जफर वाला क्या किया? आई एम नॉट सी, ये सब हो गया. ठीक है एवरीबॉडी इज ऑन हिज साइड. द इंटरनेट आल्सो वाज लाइक, मोस्ट ऑफ द इंटरनेट वाज लाइक, सॉरी यार ज्यादा हो गया, नहीं करना चाहिए था, ट्रोलिंग इज बैड, बुलिंग इज बैड. अगले दिन, लिटरली द नेक्स्ट डे, ही कम्स आउट टू द वीडियो के आपके इतने बड़े स्टार हैं अली जफर, मुझे बता मीटू क्या हुआ उनका, बट आई थिंक द कोर्ट्स एक्विटेड हिम. मुझे पीसीबी ने मना किया है कि मैं अली जफर का कोई गाना ना चलाऊं, सो आई डोंट नो व्हाई कि हम इंस्टेड ऑफ प्रमोटिंग आवर स्टार्स, पीसीबी ने मुझे मना कर दिया. एंड आई वाज लाइक, ब्रो कल आपके साथ ये हुआ है और आपने बोला है कि आपको बहुत बुरा लगा, व्हाई वुड यू डू दिस द नेक्स्ट डे, व्हाई वुड यू डू दिस द नेक्स्ट डे. एंड अगेन दिस इज प्रोबेबली माय असेसमेंट ऑफ इट, सो आई एम नॉट श्योर इफ इट्स ट्रू,
बट कभी कभी ये भी होता है ना कि आपको इवन आप ट्रोल हो रहे हैं आपको एक सोशल क्लाउड से एडिक्शन हो जाती है और लाइक आज मैं कैसे वायरल होऊंगा. सो आई डोंट थिंक इट वाज अ पेड कैंपेन इवन दो उस टाइम चल रही थी. आई थिंक इट वाज जस्ट लाइक कि आज मैंने वायरल कैसे होना है. Agreed, and this sort of ties into the thing we discussed the other day, Zayabist way, कि ये influencer बनना, relevant होना, likes, shares, जो एक हमारी social media पे जैसे shallow existence हो गई है, ये क्या क्या लोग करने को नहीं तैयार इसके लिए. And then इसके बाद भी जो उसने वो video बनाई कि PCB ने मुझे फायर कर दिया क्योंकि मेरे memes बनाए हैं, congratulations, आज एक और आवाज़ बंद हो गई है, आप सच का साथ दें. ये डिसइंजेनुअस है बिकॉज इसलिए नहीं फायर किया था, सस्पेंड किया था, इसलिए किया था कि आप यार तुम अगर लेट्स से लौटे के लिए काम करते थे और तुम टीवी पे आते हो और बोलते हो जी व्हाटएवर फ्रांस से बेहतर पार्ट्स आते हैं, आई डोंट नो फ्रांस से मुझे पार्ट्स क्यों नहीं मंगवाने देते लौटे, इनका क्या मसला है, ये लोग बेल्जियम से मंगवाते हैं सिर्फ, लौटे विल बी लाइक बेटा कोड ऑफ कॉन्डक्ट क्या हो गया, यू कांट जस्ट गो ऑन टीवी एंड ज़लील द ऑर्गेनाइजेशन फॉर समथिंग लाइक दिस स्पेशली. एम्प्लॉयर की आप नहीं ले सकते ना इतने पब्लिक. हाँ, या तो आप वो विसल ब्लोअर हैं कि जी वो एम्प्लॉई दवाइयों में सुसू करके बेचता है. ओके समथिंग ऑफ कोर्स यू आर गोना सस्पेंड. सो देन व्हेन यू मेक अ वीडियो डिसइंजेनुअसली सेइंग आपकी मीम्स की नो, अगर वो सब भी नहीं हुआ होता तो मे बी आपकी अली जफर प्रो अली जफर वीडियो वायरल नहीं होती. लेकिन PCB वुड हैव डन द सेम थिंग. सो दैट वाज डिसइंजेनुअस. सो अगेन आई डोंट नो द गाय, आई होप he comes out stronger at the end of all of this, but that was ill advice. खैर भाई तुमने recently देखा है एक meme चल रहा है या एक comic सा कि comedian stage पे कैसे होते हैं, कोई मतलब एक comic strip सी है कि podcast पे shit कोई humor है toilet humor और फिर podcast में वो उसकी पूरी philosophy explain कर. exactly हमारे साथ ये हुआ. 15 लोग मुझे उसमें tag कर चुके हैं. nice. तो मेरे ख्याल से पिशी भी आ रही है, गर्मी भी लग रही है, भूख भी लग रही है और कोई सुन भी नहीं रहा, तो हम बस करें और चने खाएंगे. अगली दफ़ा अकबर को बुलाएंगे और मजाकिया बातें करेंगे. आई वाज लाइक हम जब पॉडकास्ट स्ट्रैटेजी आते हैं यार अकबर को बुलाते हैं, एक बच्चोदी पॉडकास्ट करते हैं यार, बहुत ज़्यादा हम सीरियस बातें कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम सीरियस बातें कर रहे हैं बच्चोदी. एंड देन दिस इज आफ्टर उज़ैर प्रॉब्ली आर मोस्ट डिप्रेसिंग पॉडकास्ट. उज़ैर के साथ क्या उसकी इकॉनमी डिस्कस हो रही थी. ओह गॉड. तो इस वक्त तो हम दोनों उस मूड में आए जिस मूड में उज़ैर आया था. उज़ैर वाज लाइक देयर इज नो होप. देयर इज नो होप. देयर इज नो होप. एंड आई वाज लाइक मे बी अ लिटिल. आई वाज लाइक नो 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 नो. एंड आज हम दोनों लाइक कुछ नहीं होगा स्टैंड अप कॉमेडी का, बहुत बुरा हाल है इस मुल्क में, बहुत ज्यादतियाँ होती हैं हमारे साथ. पारो तो थैंक यू अकबर आप आ जाए. थैंक यू फॉर उम्मीद है आप अगली दफा आएंगे. और हम दोनों को ऑडियंस को भी थैंक करना, जो पता नहीं अगर जस्ट ऑन द स्लाइटेस्ट ऑफ चांसेस कि इफ समबडी इज वाचिंग वी शुड ऑफर देम समथिंग. सुनते हो यार तुम जोक सुना दो. नहीं कि मुफ्त में हम आपको देंगे, हम आपके घर के बाथरूम साफ करेंगे. ठीक है तुम द जोक यू ओपन द रोस्ट विद अबाउट द पाकिस्तान एक्सपीरियंस. नो आई डोंट रिमेंबर. डू यू माइंड इफ आई जस्ट से. नो यू डू. तो मेरा एक रोस्ट हुआ, रोस्ट ऑफ शहजाद गयास. उसमें से भी अगर कोई जोक याद है और तुमने करना है तो कर लो, शायद ऑडियंस खुश हो जाए. बिल्कुल भी नहीं याद. सो रोस्ट ऑफ शहजाद गयास शो ओपन हुआ एंड देन अकबर चौधरी गए स्टेज पर एंड ही वाज लाइक हैव एनी ऑफ यू हर्ड द पाकिस्तान एक्सपीरियंस. नहीं दैट वाज नॉट मी, दैट वाज समबडी एल्स. दैट वाज यू. नो इट वाज यू. मैं खत्म तो करने दो. अच्छा. Have any of you heard the Pakistan experience? Oh, achha, achha. And the crowd was like, yeah. Khatam kiya kisi ne? That was you. Nein. That was you. Could anybody finish kuch isi tarah? That was you, dude. I'm pretty sure that was you. Mujhe yaad hota. Agar maine kiya hota. Chalo, agar koi... Mujhe yaad aa raha hai, maine suna hai ye. Ali Asgar tha ya... Ali Asgar. So the venue was called 432. It's all not a good idea to other people's jokes. So main nahi karunga. But wo joke uska tha. Wo bhi bahut funny tha. तो हाँ लाइक ये मैनिफेस्ट कर दिया तुमने कि आप कोई नहीं सुनेगा. नहीं यार आई डू फील इवन इफ राइट नाउ पीपल डिडंट हैव कॉन्टेक्स्ट फॉर इट, दिस आर इम्पोर्टेंट डिस्कशंस टू हैव. ओके वी डू इट प्रोफेशनली, यू एंड आई गेट अप ऑन स्टेज एंड डू इट एज अ करियर, बट देर पीपल मेकिंग मीम्स आउट देयर राइट. देर आर लॉट ऑफ जो हम बात करते हैं आपको भी नहीं पता होता इम्पैक्ट क्या हो रहा है. मे बी देर इज एन 18-year-old राइट नाउ हु इज़ लाइक हाँ मैं तो अपने दोस्त को
ये बोलता हूँ या लड़कियों को ये बोलता हूँ एंड देर फाइन विद इट. मे बी आफ्टर लिसनिंग टू दिस लाइक ओके नो मे बी दैट्स नॉट ओके. या इवन जब हम वी आर स्टार्टिंग कॉमेडी नेचुरल था, हमें फनी लगते थे मेमन जोक्स, फटान जोक्स, डटा 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 डटा. मुझे एक मेमन जोक अभी भी फनी लगता है. कौन सा? आई वॉज मेकिंग आउट विद माई मेमन गर्लफ्रेंड एंड आई वॉज लाइक यार पान तो थूक देती. सो हम जो सबकॉन्शियस बात कर रहे थे, अब मैंने किया नहीं बट मैंने फक लव ऑनकर के लिए एक जोक लिखा था कि मैच विद दिस गर्ल इन गुलिस्तान जौहर, इट वॉज नॉट बैड, ड्राइव लंबी थी लेकिन मेकआउट के दौरान छालिया का टेस्ट आ रहा था. सिमिलर वाइब टू द जोक. खैर बट अगेन ये हो जाता है कभी कभी. तो लाइक आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर, आई यूज्ड टू डू अ शाहिद अफरीदी जोक कुछ वो पठान है तो यू नो दैट. हाँ होमोफोबिया टाइप का जोक था. तो हमें उस टाइम फनी लगते थे, हम करते थे. एंड कुछ कॉमिक्स हैं जो मुझसे नाराज़ भी हैं बिकॉज़ लाइक आप बहुत चौड़े में आता है, हमें कहता है ये वोक होना चाहिए और ये होना चाहिए. एंड देयर सर्टेन जोक्स दैट आई डोंट लेट पीपल डू. एक एसिड थ्रोइंग पे जोक था जो कॉमिक आज तक मेरे खिलाफ ट्रोलिंग करता है और चलाता है, बिकॉज़ मैंने उसको बोला था ये जोक गलत है. Even though he is making fun of acid victims, if you remember that joke. But ये जो discussions हैं, they're not के oh look Shahzad Ghiyas is better than you. It's bro, ये गलतियाँ हम कर चुके हैं. Please ना करो. अब A हमें शायद इतना पता भी नहीं था. If somebody wants to be conscious and wants to benefit from our experience, yeah, तो उनके पास है, but you're also free to make your own mistakes. Yes, but in this climate, maybe it's not as forgiving. You're free to make your own mistakes, but also don't do them at my show, because it's not just your mistake, right? Like for instance, if you do a acid victim joke, if you do a sexual assault joke, we no, talk. No, I didn't mean it in that. हाँ, we उसके जो अगर तू देख रहा है. तो वो मसला फट्टा तो ये था, इसने मुझे मेरे show पे मैं इसको open कर रहा था, इसने बोला ये joke नहीं करो, और मैंने like एसिड की जगह बोला था डू द सेम जोक, एसिड की जगह वाटर बलून कर लो, बिकॉज़ आई मीन एसिड इज जस्ट द वर्स्ट, राइट? वही ना कि कुछ बातें ना करें तो मतलब वो तो. प्लस इवन आप के चलें जो भी पॉलिटिक्स हैं, जो भी आपको लगता है डडा डडा व्हाटएवर, थिंग्स लाइक सेक्सुअल असॉल्ट, थिंग्स लाइक दिस, इट्स द वर्स्ट थिंग दैट कुड हैव पॉसिबली हैपेंड टू समबडी. ठीक है, कोरोना वायरस ओके फाइन, बट जो ट्रिगरिंग चीज़ें होती हैं, प्लस यू ऑल्सो प्ले प्रॉबिलिटीज़. इबोला का मजाक उड़ाएं, कितने लोगों को पाकिस्तान में हुआ था, 5-6. बड़ा सेक्सुअल असॉल्ट का मजाक उड़ाएं, हर इंसान के साथ हुआ होता है. तो प्रॉबिलिटी कि आपके शो पे हम बोलते हैं यार एक भी इंसान खुश हो जाए तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ें नहीं की है. एक भी इंसान की वर्स्ट मेमरी ऑफ देयर लाइफ अगर उनको आपके शो पर याद आ जाए, वाई दिस पर्सन बॉट अ टिकट, व्हाटएवर मीन्स कम, वाई डू दैट टू देम? तो यही चीज़ें बहुत टाइम से समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ. मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहूँगा. रिसेंटली आई वाज हैविंग अ डिस्कशन विद अ फ्रेंड एंड हुआ यह था कि हमने एक इम्प्रोव शो में, मैं लाइक आई होस्ट द इम्प्रोव शोज, राइट? तो जो सिचुएशंस है एटसेट्रा आई कम अप विद, तो आई उस वक्त ये मेरे पास तुम हो क्रेज चल रहा था, तो मैंने सिचुएशन ये बनाई कि जी बॉयज़ हैं ना हमारे सारे, ऑल मेल ट्रूप है, आप दो बॉयज़ हैं, तो यू आर टू फेमिनिस्ट, आई डिड नॉट स्पेसिफाई द जेंडर, आप दो फेमिनिस्ट हो, ठीक है, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो औरत मार्च पे और इस तरह का कुछ था, और वहाँ पे खलील और रहमान आ जाता है, ठीक है, तो आपकी उसके साथ मुंह मारी होती है, एंड क्लियरली मतलब इन माई माइंड एट लीस्ट वेरी क्लियरली द टारगेट इज़ खलील और रहमान एंड हिज मिज़ोजिनी एंड वॉट नॉट. तो इस पर मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि ये हमें नहीं करना चाहिए, वी आर एन ऑल मेल ट्रूप, हम उस ऑप्रेस्ड माइनॉरिटी के या तबके की जो मसाइल हैं, जो परेशानियां हैं, तकलीफ़ को हम समझ नहीं सकते, तो हमें ये नहीं करना चाहिए. तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? आई एग्री विद पीरू ऑन दिस. नहीं नहीं उसने नहीं कहा. देखो यार, सो इवन फॉर इंस्टेंस इम्प्रोव, मैं बहुत टाइम से वापस शुरू कर रहा हूँ इम्प्रोव पे. One problem I faced is, can we do female characters? Again, sure you're not specifying in this, but
एक अजम्पशन आ जाती है ना जो शुरू में हमने किया होगा, अच्छा गे कैरेक्टर है इस तरह होगा, स्टीरियोटाइप दिमाग में है ना, ईजी लाफ भी है गे, ओके आप यूं कर लो यूं कर लो, दैट स्टीरियोटाइप इज़ हर्टफुल. बी व्हेन यू प्लेइंग अ वुमन, आई मीन आई प्लेड वुमन इन इम्प्रोव ग्रुप्स, अ लॉट ऑफ टाइम्स आप एक्चुअली नहीं प्ले कर रहे होते, आप मॉक कर रहे होते, ठीक है. सो I would generally not do all of that. In terms of this also, it's naturally audience se aa jata, but to construct it, I do feel ke mushkil hoga to really for you to get it right, especially in an improv. As a stand up or as a written piece which you can work on, maybe you can find the target and make it accordingly. But for improv, I do feel it would be difficult. I do feel it would become very, very problematic. So I would also avoid. Not that you can't do it right. It would be very, very hard to do it right in an improvised circumstance. Especially a situation that hasn't come naturally. Us time audience aa gayi, acha chalo. Achha, but why though? If very clearly the target is Khaleelur Rahman. Nahin hoga na, main wohi bata raha hoon. I don't think the audience will also understand it. Tum aur main samajh rahe hain. अगेन इट डिपेंड्स कि यूर लाइक यार ये इम्प्रोव सीन था इसमें कोई मसला है, मे बी इफ आई सी इट एंड आई एम लाइक नहीं इसमें तो कोई मसला नहीं था, आई एम सेइंग लैंड माइंस हैं, फटोगे या नहीं ये तो डिपेंड करता है कि चलोगे कैसे, बट देर आर पोटेंशियल लैंड माइंस इन दैट, स्पेशली वैन यूर टॉकिंग अबाउट समबडी एल्सेज एक्सपीरियंस, राइट, समबडी एल्सेज लिव्ड रियलिटी, इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक यूर ऑल्सो अ कॉमेडी ट्रूप, सो यूर क्रिएटिंग कॉमेडी आउट ऑफ समबडी एल्सेज मिजरी, इट्स लाइक वुड यू Like if you were in America doing an improv too, would you even imagine कि यार अकबर तुम और ये white guy दो black लोग हैं और पुलिस आ रही है और तुम लोग stop and frisk ही ले रहे हो, you're not gonna play a black person. Yeah, slavery, you're not. Quite clearly the slave master is the target of the joke, but you're not gonna play a slave. But maybe if you were writing it, you'd find. So basically what you're saying is it can be done, to do it would be tricky, but even if you're writing it right, you'd probably not play it in the video, you'd probably get a black person to play it in the video. Like Neil Brennan wrote the Chappelle show, but Neil Brennan can't be a lot of the characters Dave Chappelle, I mean he co-wrote it with a bunch of people, he's one of the writers, but even if he was primarily writing a bit about the black experience, he can't play it. Because वो ऑप्टिक्स और पॉलिटिक्स बहुत ज़रूरी होते हैं. ठीक है, मेक सेंस आई गेस. ख़त्म करने से पहले एक और, अगर हम इसी टॉपिक पे आ गए हैं, रिसेंटली मुझे एक फीमेल कमेडियन ने, एंड मेरा भी पहला वाज लाइक क्या बात कर रही हो तुम, इसलिए एक फीमेल कमेडियन ने बोला कि स्टैंड अप कॉमेडी स्पेशली एक बॉयज़ क्लब, लाइक मेरे शोज पे तो कभी ऐसा फील नहीं आई, बट In terms of performers or audience members? Do you remember के शुरू में सब साथ perform करते थे, फिर splinters हो गए, almost like male और female shows अब बिल्कुल ही अलग अलग होना शुरू हो गए थे, और अब तो बहुत ही कम crossover है, बहुत ही कम crossover है. Do you feel like के वो old boys club बन गया था? Old तो नहीं, चलो young boys club बन गया था या boys club बन गया था? Yeah, I can only tell you from my experience, right? अब जैसे अब लॉल वाले हैं, वी स्टार्टेड ऑफ विद 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, अब द गर्ल्स लेफ्ट नॉट फॉर एनी नेगेटिव रीजन, इज जस्ट के एट दैट पॉइंट इन देयर लाइव्स दे वर फोकस्ड ऑन समथिंग एल्स, दैट बिकेम अ बॉयज थिंग, बहुत अच्छा फिर होने लगा, एंड देन सबकी दोस्ती इतनी हो गई कि इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू क्या कहते हैं अकोमोडेट न्यू पीपल. ठीक है, तो इम्प्रोव के लिए आई कैन से दिस, बट यू हैड न्यू पीपल, यू जस्ट हैड हसन बिकॉज़ जो पहले भी होता था, दैट्स इट. अली गुल वाज इन देयर ओरिजिनली एज़ वेल, बट ही इज बीन अ क्लोज फ्रेंड ना, एंड वी हैड एनी एज़ वेल, तो वी हैड बोथ गर्ल्स एंड बॉयज. बट डू यू थिंक हैविंग अ वुमन एड्स टू इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी? ऑफ कोर्स इज दैट नॉट वर्थ इट देन? लाइक इट इज वर्थ इट, लेकिन एट दिस पॉइंट इट इज नॉट वर्थ इट. मैं सिर्फ स्पेसिफिकली इम्प्रोव ट्रू की, वैसे मैं स्टैंड अप की बात कर रहा था, मैं इम्प्रोव की बात भी नहीं कर रहा था. अब स्टैंड अप में आई कैन टेल यू के जब मैंने रेगुलरली, आई फील लाइक थ्रू आउट 2017 से 2019 तक फेयरली रेगुलरली ओपन माइक्स कराए,
तो उसमें इट वुड ऑलवेज बी अ मिक्स प्रिटी मच ऑलवेज. ये हाँ ये ज़रूर है कि 2:1 या 3:1 का रेशियो ज़रूर होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता था कि हफ्ते गुजर गए और ख़वातीन ने परफॉर्म नहीं किया. आई थिंक हम दोनों सॉर्ट ऑफ थोड़े डिटैच्ड हैं, बिकॉज हम दोनों प्रिवी भी नहीं हैं, पता है, बिकॉज सॉर्ट ऑफ वेरी अर्ली ऑन वी बिकेम शहजाद भाई अकबर भाई. तो बट मे बी देर थिंग्स दैट वी मिस्ड आउट ऑन विच वर हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ अस, राइट. जिस तरह मैंने कमेडियन ग्रुप छोड़ा बिकॉज मुझे पता था कि एक कमेडियन ने प्रॉपर सेक्चुअली हरास किया एक दूसरे कमेडियन को, जिस कमेडियन ने स्टैंड अप करना छोड़ दिया. अच्छा. और मैंने पूरे ग्रुप में बात की थी, सबको बताया था, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा. दैट कमेडियन कंटिन्यूज टू परफॉर्म, दैट कमेडियन होस्ट्स ओपन माइक नाइट्स, देयर आर अदर कमेडियंस परफॉर्म, सबको कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा ना. देर आर अनदर कमेडियन हु टोल्ड मी दैट शी ऑल्सो स्टॉप परफॉर्मिंग बिकॉज ऑफ द सेम पर्सन, बट इट्स नॉट लाइक द कॉमेडी कम्युनिटी टू कस्टांस. मैंने ग्रुप छोड़ दिया, आई वॉज लाइक फक इट, अगर कोई और नहीं कर रहा. हमारे एक फेमस कमेडियन गॉट कॉल्ड आउट पब्लिकली and I took a stance कि यार मैं नहीं करूँगा. There are people who continue performing, there are people continue being patriots. So it's a lot of कि यार अच्छा चलो अगर अकबर नहीं करेगा, अकबर की ये पॉलिटिक्स हैं, लेकिन अगर एक फीमेल कमेडियन है और चार मेल कमेडियंस हैं और चारों मेल कमेडियंस के जोक्स ऐसे हैं कि whatever उसकी एस पे लिखा था जूसी, मैंने बोला यास जूसी, get it, they're like whatever the fuck, I'm just pretend. अगर यू कॉन्स्टेंटली गेट जोक्स लाइक दिस, तो कभी कभी मेल कमेडियंस, बिकॉज आई कॉल्ड देम आउट ऑन दिस एंड आई टोल्ड देम, उस पर सड़ गए थे, बट दे ऑल्सो डोंट हैव पर्सपेक्टिव दैट येस द फीमेल कमेडियन इज नॉट सेइंग दिस टू यू बिकॉज शी इज ऑल्सो न्यू, बट शी इज़ वेरी अनकम्फर्टेबल विद दिस हैपनिंग ऑन द सेम शो. सो मे बी इफ वी आस्क पीपल वुड स्टिल परफॉर्म, बट समटाइम्स दे माइट से वो हमारे कोई मसले हैं या रिस्ट्रिक्शंस हैं या जो हैं, बिकॉज देर अदर कमेडियंस ऑन आर रॉस्टर which either have done something in private that we're not aware of or are have done jokes that they're not comfortable with, and we as sort of organizers, mentors, senior people, maybe we've not been as aware as we should have been of all of this, because it's definitely a perspective that's come to me and some of it is in retrospective ke wo isliye humne karna chhod diya ya isliye ab hum nahi karte ya isliye ab hum sirf all female hote hain. ठीक है, that makes sense. It is something to, I guess, ponder and think about. फिर sad बातें हमने शुरू कर दी इससे पहले कि दुख बढ़ते जाएं. मुझे तो लगता है ये वीडियो भी अपलोड नहीं हो पाएगी. YouTube हमें डिप्रेशन फिल्टर से रिजेक्ट कर देगा कोई. ए अजनबी तू. नहीं नहीं, don't do that. शुक्रिया. रेडियो पाकिस्तान में आप आ जाएं अकबर चौधरी. तुमने ऐसे मार ट्राई किया कभी? यार मैं भूल गया हूँ ये क्या होता है. क्या सेडक्शन कहते हैं इसे साथ ये ऐसे? I do think there is that's a part of it. It has a sexual component, but what does it stand for? खुदा को मुश्किल सी चीज थी ना. Ass sounds मीर खलील. Thank you so much for that one person who has stuck with us. And apologies simultaneously. Sorry, agar aapko lag raha tha ki ye do stand-up comedians aaye hain, badi sad baat hongi, but it also goes to show you ke two sides to every coin. Joker movie jhoot nahi thi. Stand-up comedians actually kafi sad hote hain. Aap tum but you don't think it's necessary, right? Ke every stand-up comedian is depressed. Nahin, I don't. You have a good. Stable mental health, mashallah, mashallah. मतलब according to clinical standards. नहीं, even a clinical psychologist, मैंने कोई crazy किस्म की suppression की which is why, but I mashallah, mashallah, mashallah. मैं logically सोचता हूँ, emotionally नहीं सोचता इतना, तो मुझे कहा गया है कि आप emotionally भी सोचा करें, शायद कुछ दरवाजे हैं जो खुलेंगे जिनका आपको अंदाजा नहीं था. तो I'm open to that. I agree with तो maybe there's a whole can of worms. I do think आपको थोड़ा तो चूतिया होना पड़ता है to do stand-up comedy as a career. आप normal तो नहीं है. मुझे famous होना था यार.
15 That comic was me. Like, कुछ तो करो खुदा के वास्ते इसको. But वो भी देखे, वो भी देखे sausage fest था, वो after party भी. अब हाँ, ठीक है. क्या करें भाई? नहीं यार ये. Conscious होंगे अगली दफा. ये चीजें पता ही नहीं थी, अब पता लग गई. ये अभी मैं तन्मय भट्ट को भी follow कर रहा हूँ and उसका भी मैं सुन रहा था. Also to like a अपने आप पे काम करना भी ensuring के यार जब आप community बना रहे हैं community भी नहीं हो and that's a little more difficult task. That would शायद हमने तो ये give up कर दिया ना community बनाने वाली चीज because we've been so frequently screwed over by it. Who screwed you over? I'm the only person who's been screwed over. नहीं यार. तुम्हें किसने किया? क्या क्या फायदा नाम लेके but you but know I've shared these things with you. But फिर भी तुम्हारी तो फिर भी मतलब maybe to you relatively कुछ भी नहीं लगता होगा but it's obviously yeah, एक बंदा yeah. भी आपको कोई आप किसी में इन्वेस्ट yeah. करो और आपके साथ घटिया हरकतें करे तो नहीं अच्छा लगता है यार करते ही हैं यार सब लाइक I'm like you look at the person look at where they started look at all I've done for certain people and look at then what they did so तो एट दिस पॉइंट मेरा जो पर्सपेक्टिव है विद इम्प्रोव लॉल वाले मेरे बॉयज़ हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है इनके साथ परफॉर्म करना स्टैंड अप जो है या तो मैं अकेला करता हूँ या मैं शहजाद के साथ करता हूँ या ये जो हमारे तीन चार और बॉयज़ हैं जे डी उस्मान मामू ताबिश अली अब्दुल्ला बस cool, यार क्लोज नेट ग्रुप्स हैं अच्छा लगता है मोहब्बत है प्यार है कम्यूनिटी बनाना अब मुझे एज सच कोई कंपल्शन नहीं फील होती इसकी बिकॉज जो अपनी तो शुरू में हमने गेट कीपिंग की बात की थी आई फील लाइक विद कॉमेडी वी डिड द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ इट देयर इज नो गेट कीपिंग जिसको आना है आओ आओ द मोर द मेरियर जो भी कुछ है हम एक दूसरा मिलके ग्रो करेंगे सीखेंगे एंड ऑब्वियसली अच्छी चीज़ें हुई इसकी वजह से लेकिन बुरी चीज़ें भी हुई और वन ऑफ दोज इज व्हाट यू जस्ट मेंशनड आई थिंक फाइजर डिड इट इन अ मोर सस्टेनेबल मैनर देन अस आई थिंक वी वर ऑल लाइक अच्छा ये मैंने बनाया है तुम भी उतना ही ले लो जितना मेरे पास है तुम्हारे भी उतना ही हक है डेमोक्रेटिक तुम भी करो मैं भी करूँ एंड वी सॉर्ट ऑफ डिडंट वैल्यू के यार अच्छा ऑल्सो डिडंट वैल्यू ऑडियंसेस टाइम ये जो मैंने लास्ट शो किया था जिसमें 7-8 लोग थे एंड मैंने बोला आइंदा मैं कभी नहीं करूँगा इट वॉज बिकॉज ऑफ दिस रियलाइजेशन के यार ठीक है यू आर गिविंग कॉमेडी अ प्लेटफॉर्म यू आर गिविंग कॉमेडियंस अ प्लेटफॉर्म यू आर अलाउइंग देम टू फेल यू आर अलाउइंग देम टू बिकम के यार इफ़ यू रिमेंबर जो हम नैंडो स्टोर था मेरा जिसमें हम गए थे क्या है बोलो तू मेरा हीरो मतलब बट दैट वाज बट इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस 100% राइट यू वर ओपनिंग फॉर मी मे बी वाज योर फर्स्ट टाइम लाहौर इस्लामाबाद या यू डिडंट नो देयर ऑडियंस सर्टेन जोक्स वी हैव वर्कड इन कराची यू वेंट टू लाहौर इस्लामाबाद यू वर लाइक कंप्लीटली फक आई कैन हियर क्रिकेट्स या बट दैट मेड यू हु यू आर एंड मेरा हमेशा से यही था कि यार इस तरह होना चाहिए कि कॉमिक्स को लाइसेंस हो स्पेस हो डा 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 बट देन दे ऑल्सो डिडंट माई इशू वॉज दे डिडंट रिस्पेक्ट दैट सो फिर जब वो लास्ट शो हुआ था जैसे कि एक कॉमिक के बीच में लोग उठना शुरू हो गए थे आज लाइक यार दिस पर्सन डिडंट रिस्पेक्ट व्हाट हैज बीन गिवन बिकॉज मिल बहुत आसानी से गया ऑडियंस आई हुई है लोग आए हुए हैं सारी टिकटें बेची हुई हैं मेरे पास 5 मिनट हैं मैं 7 कर लूँ 8 कर लूँ मेरा तो कोई मसला ही नहीं है और फिर सेल्फ अवेयरनेस भी नहीं मेरा तो बहुत अच्छा था लाइक छोड़ो यार आपने ऑडियंस को भी डिसरिस्पेक्ट किया कि यार हम शहजाद को देखने आए थे ये 7 कमेडियंस क्यों हैं और हमें क्यों हम क्यों गिनी पिक बन रहे सो आई ऑल्सो स्टॉप डूइंग दैट एंड देन नाउ आई हैव लाइक वन ओपनिंग एक्ट और टू ओपनिंग एक्ट्स और आई डू लाइक टू सम शोज विद यू थैंक यू सो मच अकबर फॉर कमिंग एंड हैविंग दिस सैड बातें विद अस हमारे प्रोड्यूसर भी इस वक्त तक सो चुके हैं सो नहीं चुके ज़मीन पर पड़ा हुआ है उसको हमने अभी वो नहीं होता डिफिब्रिलेटर प्रॉमिस हम अकबर को फिर बुलाएंगे और फनी बातें करेंगे कभी ना कभी जिंदगी में अगर मौका मिला थैंक यू सो मच अकबर फॉर कमिंग थैंक यू एवरी बडी तो नहीं एनी बडी फॉर लिस्टिंग अगर किसी ने एंड तक सुना है प्लीज मुझे या शहजाद को मैसेज करें आई प्रॉमिस यू फ्री टिकट उस वक्त शो हो रहा हुआ फ्री टिकट खाने पे ले जाएंगे कुछ मतलब बहुत इज्जत करेंगे आपकी जिस जिसने पूरा सुना है आई डोंट नो आप प्रूव कैसे करेंगे कि आपने पूरा सुना है बट हम मान लेंगे आपने अगर ये पॉडकास्ट पूरा सुना है
तो अकबर को मैसेज करें या मुझे मैसेज करें, फ्री टिकट टू आर शो. इट्स लाइक वन ऑफ दोज नहीं होता सेडो मैसोकिज्म, अपने आप को तकलीफ हमारी, बट हमारी हर मुलाकात ऐसी होती है. बट द थिंग इज यू नो हाउ वी से कि व्हेन वी मीट वी आर द ओनली पीपल हु कैन हैव दिस कन्वर्सेशन बिकॉज वी आर द ओनली पीपल हु वेंट थ्रू इट. सो इवन व्हेन पीपल आर लाइक हाउ ओवरनाइट सक्सेस, उन्होंने देखा कि हम बिरयानी के रेस्टोरेंट के ऊपर रहे थे जिधर से हॉल में आता था वाईफाई, या डेबुओं में जा रहे हैं जहाँ कमरे टूट गई थी. याद एक बार शाहबाद की कमर में अंदर था वो सिर्फ सरीना का बिस्तर जो ठीक कर सका. हमने सरीना कुछ टू द एक्सटेंट कि हमारी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या थी कि सरीना का शो मिल गया, अकबर की टिकट निकल आएगी इससे. दैट वॉज लाइक पिनिकल ऑफ सक्सेस के वाओ इस्लामाबाद कराची की टिकट है और वो भी आई वाज लाइक अकबर ये टिकट इनको देनी है. नैंडोज के शोज के बाद फ्री नैंडोज मिल रहा है ऊपर यार. नो शाउट आउट टू नैंडोज यार, आई थिंक नैंडोज डिड अ ग्रेट जॉब सपोर्टिंग दैट टूर. आई थिंक टू ट्रस्ट न्यू पीपल एंड फाइजा एट नैंडोज, थैंक यू सो मच. सो या नैंडोज अब मुझे कुछ भी बोलता है ना मैं कर लेता हूँ, लाइक शाउट आउट जो भी चाहिए. दे वर रियली काइंड बैक देन to trust and do that show. 100%. Aur bahut mera to acha gaya. So not bad. I had a good experience. You did well. Okay. I also did all right in terms of kya kehte hain, matlab in terms of my abilities back then. Yeah, I mean like even if I look at that show now I will cringe. Kahin na kahin hai waise videos unki. Hai hai mere paas hai. Tu mera hero. Okay, thank you so much. Goodbye, everybody.